हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमायजु ज्ञान में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के एमसीक्यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पेपर वन कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पेपर सेकंड कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका विषय है विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल्स सब्जेक्ट्स। तो आप सभी लोगों से कहूँगा, जिन लोगों ने पेपर वन को नहीं देखा है, आप उसको पेपर वन को कंप्लीट करके देखिए। ये सभी एमसीक्यू संजय पब्लिकेशंस के हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके यूनिट्स हम लोग देख लेते हैं। इसमें चार यूनिट्स आपकी हैं, नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन्स, यूनिट सेकंड है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन, यूनिट थर्ड फ्रेमिंग ऑफ डिसिप्लिन्स एंड यूनिट फोर्थ है रिकमेंडेशंस ऑफ डिसिप्लिन्स। ठीक है, तो चार यूनिट है, इन चारों यूनिट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से कहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो भी नई वीडियोस मिले वो आसानी से मिल जाए, और इसको अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। तो इकाई वन, यूनिट वन, नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन, इसकी क्वेश्चन नंबर वन से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन दिया गया है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है ब, डिसिप्लिना से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है द, यह सभी सभी में क्या है, सरल अधिगम हेतु, बाह्य ज्ञान के अर्जन हेतु और सहाय विषयों के चुनाव हेतु। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, अनुशासन का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है, विद्यालयी विषय। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है, ऑप्शन नंबर द, आ और बाद दोनों से, आ है विद्यालयी विषयों के पाठ्यक्रम से, बाह्य कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से। क्वेश्चन नंबर फाइव, सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार डिसिप्लिनरी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सात, बहु अध्ययन विषय। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ज्ञान का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे दिया गया है उपर्युक्त सभी, सभी में क्या है, ज्ञान एक शक्ति है, बाह्य या कार्य करने की क्षमता है, और सह या न्यायोचित सत्य विश्वास है। क्वेश्चन नंबर सेवन, एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है द, उपर्युक्त सभी हेतु, सभी क्या है, अधिगम हेतु, बाह्य बोध हेतु और सह प्रयोग हेतु। क्वेश्चन नंबर एट, सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आ, 19। क्वेश्चन नाइन, विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है स, आ और बाद दोनों कार्य हेतु, आ है शिक्षा हेतु और बा है शिक्षा के अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। अगर आप सभी को वॉइस कम लग रही है, तो आप लोग ईयरफोन का इस्तेमाल करिए, इससे कि आपको वॉइस पूरी तरह से सुनाई देगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है ब, लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 11, क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन आ, दौड़ का मैदान। क्वेश्चन 12, पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है द, उपर्युक्त सभी, सभी में क्या है, बालकों के रुचि के अनुसार, बाह्य बालकों की अभिरुचियों के अनुसार और सह स्वयं के विकास के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 13, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका है? तो यह है ऑप्शन नंबर आ, एनएन का। क्वेश्चन नंबर 14, रॉस ने पाठ्यक्रम के अंतर्गत कितनी क्रियाओं का उल्लेख किया? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आ, दो क्रियाओं का। क्वेश्चन 15, पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान व अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए, यह किसने बोला है? ऑप्शन नंबर है सा, फ्रोबेल का। क्वेश्चन नंबर 16, पाठ्य वस्तु विश्लेषण के मुख्य स्रोत हैं? तो उपर्युक्त सभी, सभी में क्या है, पाठ्य पुस्तकें, बाह्य शिक्षण सहायक सामग्री और सहाय प्रश्न पत्र व परीक्षा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 17, पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों के किस विकास पर ध्यान दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया द, उपर्युक्त सभी पर, सभी में क्या है, शारीरिक व मानसिक विकास पर, बाह्य बौद्धिक विकास पर और सहाय संवेगात्मक विकास पर। क्वेश्चन नंबर 18, पाठ्यक्रम का आयोजन किन कार्यों हेतु किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है स, आ और बा दोनों कार्यों हेतु, आ है सामूहिक पढ़ाई हेतु और बा है सामूहिक कक्षाओं हेतु।
क्वेश्चन 19, पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा हम बच्चों के शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति को योग बनाने की आशा करते हैं। यह कथन किसका है? यह है ऑप्शन नंबर 12, हेनरी जे ओटो का। क्वेश्चन नंबर 20, शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है ऑप्शन नंबर द, आ और बा दोनों से, आ है विद्यालय विषयों के पाठ्यक्रम से और बा है कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाधिक अध्ययन विषयों की उदय शताब्दी है तो ऑप्शन नंबर है अ 19। क्वेश्चन नंबर 22, ज्ञान सर्वोच्च सदगुण है या परिभाषा है ऑप्शन नंबर है सा सुकरात की। क्वेश्चन नंबर 27, अनुशासन किसे कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आवेगों को अवस्था के अधीन करता है जिससे अस्त व्यस्तता के स्थान पर शिष्टाचार तथा निपुणता की स्थापना की जाए। अनुशासन की यह परिभाषा दी है ऑप्शन नंबर है आ टीपी नन ने। क्वेश्चन नंबर 24, किसके अनुशासन का आधार प्रेम बताया है, किसने अनुशासन का आधार प्रेम बताया है तो ऑप्शन नंबर है आ पेस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 25, अनुशासन की आवश्यकता होती है तो ऑप्शन नंबर है स, अ एवं ब दोनों, आ है व्यक्तित्व विकास के लिए और ब है योग्यताओं के प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, अनुशासन की स्थापना का प्रमुख स्थान है तो ऑप्शन नंबर दिया गया द, उपर्युक्त सभी, सभी में क्या है आत्मनियंत्रण, ब है आत्मविकास और स है दंड का बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 27, जिस प्रकार स्थल सेना, जल सेना या राज्य के अस्तित्व के अनुशासन का होना परम आवश्यक है उसी भांति शिक्षा के लिए भी अनुशासन भी महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है ऑप्शन नंबर है आ पीसी रैन का। क्वेश्चन नंबर 29, अनुशासन का सकारात्मक साधन नहीं है तो ऑप्शन नंबर है बा दंड। क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष की आयु के बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है तो ऑप्शन नंबर दिया गया है सर 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30, गणित विषय में बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है तो ऑप्शन नंबर है ता, उपर्युक्त सभी की, सभी में क्या है आ है सोचने समझने की, ब है विश्लेषण करने की और स है तर्कसंगत निर्णय लेने की। क्वेश्चन 31, किस शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर बल दिया गया है तो ऑप्शन नंबर है आ 1968। क्वेश्चन 32, सन 1960 में योजना आयोग ने कितने वर्ष की विद्यालय शिक्षा पर बल दिया तो ऑप्शन नंबर है बा 12 वर्ष। क्वेश्चन 33, एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर है द, उपर्युक्त सभी, सभी में क्या है अधिगम हेतु, बाह्य बोध हेतु और स है प्रयोग हेतु। क्वेश्चन नंबर 34, पाठ्यक्रम संबंधी शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं तो ऑप्शन नंबर है द, उपर्युक्त सभी, सभी में क्या है स्वास्थ्य विज्ञान, बाह्य शारीरिक कुशलताएँ और स है व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम का भाग है तो ऑप्शन नंबर है द, उपर्युक्त सभी, सभी में क्या है आ है व्यायाम व खेल कूद, ब है भूगोल व तैरना, स है प्रकृति ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 36, मुख्य रूप से मानसिक क्रियाओं में किन विषयों को रखा गया है तो ऑप्शन नंबर है द, उपर्युक्त सभी, सभी में क्या है आ भाषा, ब इतिहास व भूगोल और स है साहित्य गणित व विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए तो ऑप्शन है आ बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षा में विविध पाठ्यक्रम में वर्ग होते हैं तो ऑप्शन है ब 8 वर्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विषय वर्ग के प्रकार है तो ऑप्शन द दिया गया है ऊपर के सभी, ऑप्शन आ है यहाँ पे बहु विषय विषय वर्ग, ब है मूल विषय वर्ग, स है अंतः विषय विषय वर्ग। क्वेश्चन नंबर 40, गणित व विज्ञान शिक्षण अनिवार्य रूप से देना चाहिए प्रथम 10 वर्ष में। क्वेश्चन 41, छात्रों में कुशलता के विकास हेतु शामिल किया गया है तो ऑप्शन है स शिल्प कला को। क्वेश्चन 42, विद्यालय पाठ्यक्रम का कार्य होता है तो ऑप्शन दिया गया है ब मानवीय ज्ञान व रुचियों का कार्य। क्वेश्चन नंबर 43, पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को अवसर प्राप्त होते हैं तो ऑप्शन दिया गया है द, उपर्युक्त सभी के, सभी में क्या है आ है जीवन कला के, ब है छात्रों को दिशा निर्देश देने के और स है लक्ष्य की एकाग्रता के। क्वेश्चन नंबर 44, पाठ्यक्रम निर्माण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं तो ऑप्शन दिया गया है आ शिक्षक के उद्देश्य। क्वेश्चन 45,
पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है तो ऑप्शन द दिया गया है। उपरोक्त सभी में है ऑप्शन आ। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, ब है शिक्षण सामग्री के निर्धारण हेतु, और स है शिक्षण विधियों के निर्धारण हेतु। क्वेश्चन 46, परंपरागत पाठ्यक्रम के दोष हैं तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आ, पुस्तकीय ज्ञान पर बल। क्वेश्चन 47, पाठ्यक्रम में ध्यान रखा जाता है तो ऑप्शन है द। उपरोक्त सभी का सभी में क्या है, आ है शारीरिक विकास का, ब है मानसिक विकास का, और स है आध्यात्मिक विकास का। क्वेश्चन नंबर 48 आ गया, पाठ्यक्रम निर्माण में आयोजन शामिल किए जाने चाहिए तो ऑप्शन नंबर है द। उपरोक्त सभी, सभी में फिर से वही बात आ गई, सभी में सब ऑप्शंस कौन है उनको देखते हैं तो ऑप्शन है आ विविध क्रियाएं, ब है सामाजिक खेलकूद, और स है सौंदर्यात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर 49, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं तो ऑप्शन द। उपरोक्त सभी, अब सभी में ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन आ है संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन ब है क्रिया का सिद्धांत, और ऑप्शन स है सृजनात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 50, सामाजिक विज्ञान का संबंध है तो ऑप्शन नंबर दिया गया है द। उपरोक्त सभी से, सभी में सभी के ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आ मनुष्य के जन्म से, ऑप्शन ब मनुष्य के संगठन से, और ऑप्शन स मनुष्य के विकास से। क्वेश्चन 51, मुदलियार कमीशन का गठन कब किया गया था तो ऑप्शन नंबर दिया गया है अ 23 सितंबर 1952। क्वेश्चन 52, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी तो ऑप्शन दिया गया है द 12 खंडों में। क्वेश्चन 53, शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है, यह कथन किसका है तो यह ऑप्शन नंबर है आ ब्रिग्स का। क्वेश्चन 54, जॉन डीवी ने बच्चे की रुचियों को कितने भागों में विभक्त किया है तो ऑप्शन दिया गया है ब 4 भागों में। क्वेश्चन 55, सामाजिक परिवर्तन का कारण सांस्कृतिक है, यह कथन किसका है तो यह है ऑप्शन नंबर अ मैक्स वेबर का। क्वेश्चन 56, प्रकृति के प्राकृतिक रौद्र रूप में क्या आता है तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर है द। उपर्युक्त सभी, सभी में क्या है, आ है भूकंप, ब है बाढ़ व अकाल, और स है महामारी। तो यहाँ पे 56 का ऑप्शन नंबर द। दोस्तों अच्छा अभी आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे गुजरात में अभी एक तूफ़ान आया हुआ है, उस तूफ़ान का नाम क्या है आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए, देखिए कितने लोगों को यह पता होता है, जितने लोग बताएंगे उन लोगों का नाम मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो जो पार्ट नंबर 3 होगा आपका उसमें ज़रूर लूँगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए टाइम है क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 57, जनांकिकी कारकों में शिक्षा को क्या प्रभावित करता है तो ऑप्शन नंबर दिया गया द। उपरोक्त सभी, सभी में क्या है, जन स्वास्थ्य पर का गिरता स्तर, बाह्य रहन सहन का स्तर, और स है पारिवारिक व सामाजिक विघटन। क्वेश्चन नंबर 58, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है, यह कथन किसका है तो यह है ऑप्शन नंबर आ सुकरात का। क्वेश्चन 59, कुछ करने अथवा क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन है ऑप्शन नंबर आ स्वीवी का। क्वेश्चन 60, डिसाइपुलस शब्द किस भाषा का है तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आ लैटिन भाषा का है। क्वेश्चन 61, पिपुल शब्द से तात्पर्य है तो यहाँ सभी से है, ऊपर के सभी, सभी में क्या ऑप्शंस हैं, ऑप्शन आ है शिष्य, ऑप्शन ब है छात्र, और ऑप्शन स है शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 62, डिसिप्यूल्स का अर्थ है तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आ सीखना। क्वेश्चन 63, समकालीन कला से संबंधित है, ऑप्शन नंबर दिया गया है द। उपरोक्त सभी, सभी में क्या है, आ है फोटोग्राफिक, ब है एनिमेशन, और स है फोटो उतारना। क्वेश्चन 64, संगणक विज्ञान संबंधित है, ऑप्शन नंबर दिया गया है अ औपचारिक विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 65, शारीरिक कला का संबंध है, ऑप्शन नंबर दिया गया है ब दृश्य कला से। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से ज्ञान की विशेषता है तो ऑप्शन नंबर दिया गया है द। उपरोक्त सभी, सभी में क्या है, ज्ञान शक्ति है, ब ज्ञान समाप्त नहीं होता, और स है ज्ञान का स्रोत सूचना है। क्वेश्चन 67, ज्ञान के कितने आधार हैं तो ज्ञान के 3 आधार हैं, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 68, प्रशिक्षण एवं या स्वयं सीखी जानकारी का ज्ञान क्या कहलाता है तो ऑप्शन नंबर दिया गया है क्या, अधिगम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 69, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन 70, ज्ञान की प्रकृति कैसी होती है तो ऑप्शन नंबर दिया है द। उपर्युक्त सभी, सभी में क्या है, क्रमबद्ध सुनिश्चित और मूल्य आधारित। क्वेश्चन नंबर 71, अनुशासन हम किस स्तर पर पढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर है ब
उच्च शिक्षा स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 72, प्रायोगिक ज्ञान किसे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है द, ऊपर के सभी, सभी में क्या है, अ अनुभव, बा है मस्तिष्क और स है निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 73, मानव की इंद्रियां कितनी होती हैं? तो ऑप्शन आ है 5। कौन कौन सी होती है कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 74, तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया स, अ और बा दोनों, आ है मानसिक प्रक्रिया और बा है तार्किक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 75, गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान के प्रकार हैं? तो ऑप्शन दिया गया द, उपरोक्त सभी, सभी में क्या है, सात्विक ज्ञान, राजसी ज्ञान और तामसी ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 76, बुद्धिवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन है द, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, शैक्षिक विषय या अध्ययन का क्षेत्र ज्ञान की एक शाखा है जो कि उच्च शिक्षा में एक भाग के रूप में पढ़ाई जाती है व जिसका अनुसंधान भी किया जाता है, यह कथन किसका है? यह है ऑप्शन नंबर बा, एंथनी विलगेन का। क्वेश्चन नंबर 78, सकारात्मक अध्ययन क्षेत्र के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन है आ, 4 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन 79, कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन से पाठ्य विषय आते हैं? इनको आप ऐसे ही समझ सकते हैं, ऑप्शन आ दिया गया स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण, बा है विज्ञान, सा है गणित भाषा। तो 79 का ऑप्शन नंबर है द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 80, स्वास्थ्य पूर्ण मानसिक, शारीरिक और सामाजिक श्रेष्ठता की स्थिति है, ना कि केवल निरोगी एवं और स्वस्थ काय, ये कथन किसका है? यह है ऑप्शन नंबर आ, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्वेश्चन नंबर 81, शरीर को पूर्ण स्वस्थ और निरोगी रखना ही मोक्ष है, यह कथन किसका है? यह है ऑप्शन नंबर आ, महात्मा गांधी का। यहाँ पे WHO दिया गया, WHO को फुल फॉर्म कमेंट करके ज़रूर बताइए, हो सकता है ये आपसे वहाँ पे पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 82, स्वस्थ मूल्यांकन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है द, उपरोक्त सभी से, सभी में क्या है, ऑप्शन आ अध्यापकों द्वारा, बा स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा और स है डॉक्टरों द्वारा। क्वेश्चन 83, स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत किस बात का मूल्यांकन किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है आ, स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन। क्वेश्चन 84, विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण को बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है बा, सर्वाधिक स्वास्थ्य परीक्षण। क्वेश्चन 85, आधुनिक विचारधारा अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में विहान अंतर विद्याध्ययन के पक्ष में है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आ, ब्रू वेकर का। क्वेश्चन 86, शिक्षण के अंतर्गत किन मुख्य विषयों का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है द, उपरोक्त सभी, फिर से वही बात, सभी में कौन से हैं? तो ऑप्शन आ है सामाजिक विषय, ऑप्शन बा मनोवैज्ञानिक विषय और ऑप्शन स है विज्ञान विषय। क्वेश्चन 87, पाठ्यक्रम के विषय को इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषय का ज्ञान सहायक हो, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आ, हर्बर्ट का। क्वेश्चन 88, सहसंबंध के प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आ, 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन 89, सहसंबंध के अंतर्गत किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? ऑप्शन दिया गया है बा, कार्य करके सीखना। क्वेश्चन 90, परंपरागत आधार पर कौन से विषय वस्तु क्षेत्र होते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है द, उपरोक्त सभी, सभी में क्या है, आ है प्राकृतिक विज्ञान, बा है सामाजिक विज्ञान और सा है मानविकी वर्ग। क्वेश्चन 91, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है, यह कथन किसका है? यह है ऑप्शन नंबर आ, सुकरात का। क्वेश्चन 92, ज्ञान किस तथ्यों पर आधारित होता है? ऑप्शन द है उपरोक्त सभी, सभी में क्या है, सत्यता, सबूत और विचार। क्वेश्चन 93, ज्ञान की प्रकृति किससे संबंधित होती है? तो ऑप्शन दिया गया है द, उपरोक्त सभी से, सभी में क्या है, एक साध्य के रूप में, एक साधन के रूप में, संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में। क्वेश्चन 94, प्रत्यय से संबंधित तथ्य क्या कहलाता है? तो ऑप्शन दिया गया है आ, सूचनाएं। क्वेश्चन 95, 20वीं शताब्दी में विज्ञान विषय के अंतर्गत किन विषयों को सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन दिया गया है द, उपरोक्त सभी को, सभी में ऑप्शन है आ, भौतिक व रसायन विज्ञान, बा है जीव विज्ञान, स है भू विज्ञान व खगोल विज्ञान। क्वेश्चन 96, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया के अंग हैं? तो ऑप्शन दिया गया है द, उपरोक्त सभी, सभी में है ऑप्शन आ, शिक्षक, बा है सामाजिक तत्व और स है शिष्य। क्वेश्चन नंबर 97,
शिक्षा किन शक्तियों का विकास करती है, तो ऑप्शन दिया गया था उपरोक्त सभी। सभी में क्या है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। क्वेश्चन 98, दूरस्थ शिक्षा एक स्वतंत्र अधिगम है, यह कथन किसका है, तो यह है ऑप्शन नंबर आ, बेड मियर का। क्वेश्चन 99, दूरस्थ शिक्षा के अन्य नाम है, तो ऑप्शन है द, उपरोक्त सभी। ऑप्शन आ है इसमें पत्राचार शिक्षा, ऑप्शन बा मुक्त शिक्षा और ऑप्शन सा है बहुमाध्यम शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 100, अनौपचारिक शिक्षा के स्रोत हैं, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है द, उपरोक्त सभी। सभी में है ऑप्शन नंबर अ, दैनिक जीवन के कार्य, बा अनुभव और सा है विभिन्न गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 101, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई, तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर है आ, सन 1857 में की गई थी। क्वेश्चन 102, सन 1915 को रविंद्रनाथ टैगोर को क्या उपाधि प्राप्त हुई, तो ऑप्शन नंबर है बा, सर की। क्वेश्चन 103, टैगोर जी ने मानव जीवन के कितने पक्ष बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है सा, आ और बा दोनों, आ में है आध्यात्मिक और बा है सामाजिक। क्वेश्चन 104, बुनियादी हस्तकला के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है द, उपरोक्त सभी। सभी में क्या है, कृषि, कताई व बुनाई और सा है लकड़ी का कार्य। क्वेश्चन 105, गिजू भाई ने किस नारे का प्रतिपादन किया है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है सा, बाल देवो भव। क्वेश्चन 106, जॉन डीवी ने किस प्रकार कार्य करने पर बल दिया, तो ऑप्शन नंबर है आ, करके सीखना। क्वेश्चन 107, रूसो की शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी, तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। सभी में है ऑप्शन आ, करके सीखना, ऑप्शन बा है करके देखना और ऑप्शन सा, अन्वेषण द्वारा सीखना। क्वेश्चन 108, मोंटेसरी ने किन शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया, तो ऑप्शन नंबर है द, उपरोक्त सभी। सभी में क्या है, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, बा है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और सा है पढ़ने सीखने तथा गणित की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 109, गर्मी बहुत है भाई साहब, पानी पीते रहिए। क्वेश्चन नंबर 109, अपने क्रियाशील रूप में अहिंसा सभी के प्रति अच्छी भावना है, यही शुद्ध प्रेम है, यह कथन किसका है, ऑप्शन नंबर है आ, गांधी जी का। क्वेश्चन 110, बाल केंद्रित शिक्षा पर सर्वाधिक बल किसने दिया, तो ऑप्शन नंबर है द, मारिया मोंटेसरी। क्वेश्चन नंबर 111, प्रकृति की ओर लौटो यह नारा किस विद्वान का है, तो यह है ऑप्शन नंबर है सा, रूसो का। क्वेश्चन 112, रूसो के अनुसार शिक्षा के स्रोत हैं, तो ये सभी हैं, प्रकृति, मनुष्य, वस्तुएं। 112 का उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर द। 113, शिक्षा का अर्थ है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है द, उपरोक्त सभी। सभी में है ऑप्शन आ, शिक्षण, ऑप्शन बा, संवर्धन और ऑप्शन सा है पथ प्रदर्शन। क्वेश्चन 114, इडुशेयर का तात्पर्य है, तो टू ब्रिंग फोर्थ, ऑप्शन नंबर स। क्वेश्चन 115, शिक्षा के द्वारा बालक किस प्रकार के चिंतन का लाभ पा सकते हैं, उपरोक्त सभी का, सत्य का, शिवम का, सुंदरम का। क्वेश्चन 116, शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो ऑप्शन दिया गया स, अ तथा वा दोनों, आ है सतत और बा है व्यापक। 117, शिक्षा प्रक्रिया में किसे मुक्त स्थान दिया गया है, तो ऑप्शन है आ, शिक्षक को। 118, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का ही एक अंग है, यह कथन किसका है, यह ऑप्शन नंबर है बा, शर्मक का। क्वेश्चन 119, शारीरिक शिक्षा का संबंध है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है द, उपरोक्त सभी से। सभी में क्या है, जिमनास्टिक से, बा है पीटी से और सा है ड्रिल से। क्वेश्चन नंबर 120, शारीरिक क्रिया का संबंध है, ऑप्शन है द, उपरोक्त सभी। फिर से वही बात, सभी में कौन कौन से, ऑप्शन आ, शारीरिक विकास से, बा है मानसिक विकास से और सा है नैतिक विकास से। 121, मजबूत शारीरिक नीति के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता है, यह कथन किसका है, तो यह है ऑप्शन नंबर बा, डॉक्टर राधाकृष्णन का। क्वेश्चन 122, गणित विज्ञान की रानी है, यह परिभाषा किसकी, ऑप्शन नंबर है आ, ब्राइट मैन की। 123, सामाजिक विज्ञान का संबंध है, ऑप्शन नंबर है द, उपरोक्त सभी का। सभी में क्या है, आ, मनुष्य के जन्म से,
बाह्य मनुष्य के संगठन से और सहय मनुष्य के विकास से। क्वेश्चन नंबर 24, गृह कार्य दिया जाना चाहिए, तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर है स, अभ्यास के लिए। 125, छात्रों के चारित्रिक निर्माण में सहायता करना तथा उनकी भाषा को उन्नत करना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है, तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन है स, शुद्धता एवं गति। 126, ईश्वर ही भाषा का आदि गुरु है, यह कथन किसका है, यह ऑप्शन नंबर है स, पतंजलि। 127, अरस्तु कहाँ से संबंधित है, तो ऑप्शन है आ, यूनान से। क्वेश्चन 128, गणित विषय में बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, यह भी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, तो यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं, उपर्युक्त सभी। 129, बिजनेस शब्द किस भाषा का है, तो ऑप्शन है आ, अंग्रेजी का। 130, निम्न में से वाणिज्य का महत्व क्या है, तो यहाँ पे है सैद्धांतिक, व्यावहारिक और मानसिक विकास, तो उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 131, पाक कला का संबंध है, ऑप्शन है बा, गृह विज्ञान। 132, भाषा के प्रकार हैं शाब्दिक तथा अशाब्दिक। 132 का ऑप्शन हो गया स। 133, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर है बा, मानव का। 134, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण की सुविधा हेतु किन किन तत्वों को रखा जाता है, तो ऑप्शन है द, उपर्युक्त सभी का, सभी में क्या है, ऑप्शन आ है समाज विज्ञान के तत्वों का, बाह्य विधियों का और स है शोधों का। क्वेश्चन नंबर है 135, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को किस ओर अग्रसर करना होता है, तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर है आ, उन्नति। 136, सामाजिक विज्ञान अध्ययन के क्षेत्र हैं, तो कौन कौन से हैं, मानव व्यवहार, सामाजिक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण, तो 136 का ऑप्शन है द, उपर्युक्त सभी। 137, सामाजिक विज्ञान अध्ययन में शिक्षण की सुविधा हेतु रखा जाता है, ऑप्शन है स, आ तथा बा दोनों को, आ है तत्वों को और बा है विधियों व शोधों को। 138, भूगोल विषयों में जानकारी दी जाती है भूमंडल की, ऑप्शन नंबर है बा। 139, सामाजिक अध्ययन का महत्व किन किन दृष्टियों से होता है, तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन स, अ तथा बा दोनों, आ क्या है व्यक्तिगत दृष्टि से और बा है सामाजिक दृष्टि से। 140, प्राकृतिक वातावरण के साथ जोड़ा गया है, तो ऑप्शन नंबर है द, सभी को। अब सभी में कौन कौन से हैं, ऑप्शन आ है मनुष्य को, ऑप्शन बा समाज को और ऑप्शन स कार्य को। क्वेश्चन 141, भाषा को बांटा गया है, तो ऑप्शन है बा तीन भागों में। क्वेश्चन 142, शब्दों के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर है आ भाषा। 143, कथित भाषा किसे कहते हैं, तो ऑप्शन दिया गया है स मौखिक भाषा को। 144, लिखित भाषा में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कह सकते हैं, ऑप्शन है आ वर्ण। 145, जब हम शरीर के हाव भाव या संकेतों के द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन है स सांकेतिक भाषा। 146, देश के खाली जगह के मध्य संप्रेषण का अति उत्तम साधन भाषा ही है, तो क्या है, बालकों तथा व्यक्तियों के मध्य। 146 का ऑप्शन संख्या है स। 147, भारत की राजभाषा कौन सी है, तो भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी। 148, गणित शिक्षण में प्रयोगात्मक मूल्यों के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर है द, उपर्युक्त सभी, सभी में क्या है, क्रय अथवा विक्रय, बा गिनना और स है तौलना। क्वेश्चन 149, ब्लूम के अनुसार अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, तो ऑप्शन है स तीन प्रकार से। 150, ज्ञान वर्ग के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रयत्न किया जाता है, तो ऑप्शन है स, आ तथा बा दोनों से, आ है प्रत्यय विज्ञान करने में और बा है प्रत्यय स्मरण कराने में। 151, पाठ्यक्रम विषयों में सबसे अधिक महत्व किस भाषा का होता है, तो ऑप्शन दिया गया है आ, मातृभाषा का। 152, गणित मस्तिष्क को बनाता है कैसा, तीव्र, ऑप्शन सा। 153, गणित शिक्षण का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर दिया गया है द, उपर्युक्त सभी, सभी में क्या है, आ है सांस्कृतिक उद्देश्य, बा है चारित्रिक उद्देश्य और सा है अनुशासनात्मक उद्देश्य। 154, भाषा शब्द किस धातु से बना है, तो ऑप्शन दिया गया है द, भाष। 155, हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत हिंदी शिक्षण का प्राथमिक एवं
महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो ऑप्शन दिया गया है आ ज्ञानात्मक। 156 सस्वर वाचन में आता है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया था उपरोक्त सभी। सभी में क्या है, पाठ्य पुस्तकीय सामग्री बा है गद्यावतरण का सस्वर वाचन और सा है कविता पाठ। तो 156 का ऑप्शन है दा। 157 सुनने व बोलने को विविध प्रकार की सामग्री कितनी स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है, तो ऑप्शन है दा उपरोक्त सभी। सभी में क्या है, आ है कक्षा स्थिति, बा है कक्षेत्तर स्थिति, सा है आकाशवाणी प्रसारण। 158 लिखित रूप में सबसे महत्वपूर्ण है, ऑप्शन है सा अ तथा बा दोनों, आ है मात्राओं का ज्ञान और बा है मात्रा लगाने का तरीका। 159 पाठ योजना में किन बातों का समावेश होना चाहिए, तो ऑप्शन है दा इनमें से कोई नहीं। 160 बालक में अशुद्धता की आदत अध्यापक की थोड़ी लापरवाही से आती है, यह कथन है, ऑप्शन नंबर है बा श्री रावत तथा अग्रवाल जी का। ठीक है दोस्तों, आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, 160 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर सेंड करिए, शेयर करिए, इससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचता रहे। एक मिनट का ब्रेक ले लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है भाई साहब। ठीक है, सेहत का ध्यान रखिए, धूप में कम निकलिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए। ओके, मैंने तो पानी पी लिया है, अब आप लोग भी पानी वगैरह पी लीजिए, फिर से यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक भी ज़रूरी है भाई। ओके, फिर नाउ कम टू आवर यूनिट नंबर 2, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 161 भाषा का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया सा आ तथा वा दोनों, आ है व्यक्त बाणी और बा है बोलना। क्वेश्चन नंबर 162 छात्रों के चारित्रिक निर्माण में सहायता करना तथा उनकी भाषा को उन्नत करना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है, तो ऑप्शन है सा शुद्धता एवं गति। 163 हिंदी शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत हिंदी शिक्षण का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर है आ ज्ञानात्मक। क्वेश्चन 164 सस्वर वाचन में आता है, ऑप्शन है दा उपर्युक्त सभी। सभी में क्या है, आ है पाठ्य पुस्तकीय सामग्री, बा है गद्यावतरण का सस्वर वाचन और सा है कविता पाठ। 165 सुनने व बोलने की विविध प्रकार की सामग्री कितनी स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है, तो सभी तरह से हो सकती है, यहाँ पे है कक्षा स्थिति, बा है कक्षेतर स्थिति और सा है आकाशवाणी प्रसारण। 166 मौखिक कौशल में ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध संप्रेषण। 166 का ऑप्शन संख्या है सा। 167 भाषा में कौन कौन से रूप होते हैं, तो मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है और सांकेतिक भी होता है, तो 167 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है दा उपरोक्त सभी। 168 बोलने में किस अभिव्यक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन संख्या है आ मौखिक। 169 मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सुनने बोलने पढ़ने और लिखने की क्रियाओं में से सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है सुनने में, ठीक है, जो कि आप अभी कर रहे हैं। 170 अच्छे वाचन के बिना ना तो व्यक्ति अच्छा वक्ता बन सकता है और ना ही अच्छा क्या लेखक बन सकता है। क्वेश्चन 171 170 का देख लिया, ऑप्शन नंबर है आ। 171 का यहाँ पे ऑप्शन है स, उच्चारण तथा भाषा का तात्पर्य ही बोलना कहलाता है, तो 171 का ऑप्शन संख्या है स। 172 लिखित रूप में सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं, ऑप्शन संख्या है स अ तथा वा दोनों, आ है मात्राओं का ज्ञान और बा है मात्रा लगाने का तरीका। 173 हिंदी शिक्षण समस्या के निराकरण हेतु करना चाहिए, ऑप्शन संख्या है दा उपरोक्त सभी। सभी में क्या है, हिंदी की आधारभूत संरचना का निर्माण, बा है आधारभूत शब्दावली का संचयन और सा है आधारभूत शब्दावली का वर्गीकरण। 174 हिंदी की लिपि कैसी है, ऑप्शन संख्या है स देवनागरी। 175 हिंदी की व्याकरण संरचना में ध्यान रखा जाता है, तो ऑप्शन संख्या है स अ तथा बा दोनों, आ है लिंग का और बा है वचन का। 176 प्रत्येक भाषा के पक्ष माने जाते हैं, ऑप्शन संख्या है द उपरोक्त तीनों। तीनों क्या है, पढ़ना लिखना और व्याकरण। 177 कक्षा में इकाई को पढ़ाने के बाद
उन्हें किन भागों में बांटा जाता है, तो उप इकाइयों में और दैनिक पाठों में। तो 177 का है ऑप्शन संख्या है स, आ तथा पा दोनों। 178, पाठ योजना में किन बातों का समावेश होना चाहिए, तो इनमें से किसी भी चीज़ का समावेश नहीं होना चाहिए। 179, बालक में अशुद्धता की आदत अध्यापक की थोड़ी लापरवाही से आती है, तो यह भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है बा। क्वेश्चन 180, छात्रों में शुद्धता एवं शीघ्रता का अभ्यास डालने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि उन्हें यथासंभव अधिकाधिक मात्रा में प्रश्न हल करने का अभ्यास कराया जाए। यह कथन किसका है, तो प्रोफेसर कुप्पू स्वामी अयंगर का है। 181, संख्यांक पाठन की पद्धति होती है, ऑप्शन नंबर है द, उपर्युक्त सभी। सभी में क्या है, भारतीय पद्धति, बाह्य रोमन पद्धति और सहाय अंग्रेज पद्धति। 182, भारतीय पद्धति में संख्या लिखना प्रारंभ की जाती है, ऑप्शन नंबर है आ, बाई ओर से। 183, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है, ऑप्शन नंबर है बा, 9। 184, गणित में शीघ्रता एवं शुद्धता का गुण व्यक्ति को बनाता है, ऑप्शन संख्या है सा, व्यवहारिक एवं सफल, ऑप्शन सा। 185, लगभग 80% पिछड़े छात्रों का शारीरिक विकास मंद गति से होता है, कथन किसका है, ऑप्शन सा, बर्ट का। 186 क्वेश्चन नंबर है, अनुपस्थिति में प्रायः बालक किसी महत्वपूर्ण कार्य से वंचित हो जाता है, विशेषतः अंक गणित में उसकी पूर्ति वह कभी नहीं कर पाता है, किसी आधारभूत प्रक्रिया में दुर्बलता यथा भाग अथवा साधारण भिन्न में उसे सदा के लिए पीछे कर देती है, यह कथन किसका है, ओडन का। इतना सारा प्रश्न दिया गया, इतना बड़ा सा, समझ लो ओडन का है, ठीक है, जो कुछ समझ ना आए वो क्या, ओडन। क्वेश्चन 187, गृह कार्य दिया जाना चाहिए अभ्यासिक के कार्य के लिए। 187 का ऑप्शन संख्या सा। 188, अशुद्धियाँ पाई जाती हैं तो सिद्धांत संबंधी, जुड़ व घटाने संबंधी, तो यहाँ पे 188 का ऑप्शन संख्या सा, आ तथा बा दोनों। यहाँ पे सा दिया गया है तो बा होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन 189, निगमन विधि का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन संख्या सा, सूत्र का प्रयोग करना। 190, पहले उदाहरण देना तथा उदाहरणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना यह क्रिया संबंधित है, ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, निगमन विधि से। क्वेश्चन 191, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है स, आगमन विधि से। 192, निम्नलिखित में से कौन विश्लेषण विधि से संबंधित है, ऑप्शन संख्या दिया गया है स, ज्ञान का विखंडन। 193, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, विश्लेषण विधि का। 194, संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है, यह किसका है, प्रोफेसर यूंग। 195, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने का उदाहरण किस विधि के अंतर्गत उपयुक्त है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया आ, विश्लेषण विधि। 196, किस विधि में नवीन विषय की स्थापना उदाहरणों द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया सा, आगमन विधि। 197, जिस शिक्षण विधि में नवीन विषय की स्थापना उपकरणों द्वारा की जाती है वह विधि है, ऑप्शन संख्या सा, आगमन विधि। 198, गणित विषय में अभ्यास किया जाता है, तो ऑप्शन संख्या स, ऑप्शन द है, उपर्युक्त सभी का, सभी में सूत्र का, नियम का और सिद्धांत का। 199, लिखित अभ्यास कार्यों में उचित कुशलता किस प्रकार आती है, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे दिया गया है आ, लिखित कार्यों से। क्वेश्चन 200, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो ऑप्शन संख्या है बा, कठोर। 201, ग्लोब ने जो रेखाएँ पूर्व से पश्चिम की ओर बनी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ऑप्शन संख्या स, अ तथा बा दोनों, अक्षांश रेखाएं व समानांतर रेखाएं। 202, विषुवत वृत्त को हम कितना अक्षांश मानते हैं, ऑप्शन संख्या है आ, 0 डिग्री। क्वेश्चन 203, जो अक्षांश विषुवत रेखा के 23.5 उत्तर में स्थित है वह है, ऑप्शन बा, कर्क रेखा। क्वेश्चन 204, ग्लोब व उत्तरी या दक्षिणी दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं, ऑप्शन संख्या है आ, देशांतर रेखाएं। 205, देशांतर रेखाओं को 360 डिग्री पार करने में कितना समय लगता है, ऑप्शन संख्या है सा,
24 घंटे। 206 विषय वर्ग के प्रकार हैं, ऑप्शन संख्या दिया गया था उपरोक्त सभी हम लोगों ने अभी से पहले पढ़ लिए हैं। 207 गणित व विज्ञान शिक्षण अनिवार्य रूप से करना चाहिए, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ऑप्शन बा प्रथम 10 वर्ष में। 208 छात्रों में कुशलता के विकास हेतु शामिल किया गया, ऑप्शन संख्या सा शिल्प कला को। 209 विद्यालय पाठ्यक्रम का कार्य होता है, ऑप्शन संख्या बा मानवीय ज्ञान व रुचियों का कार्य। 210 एक योग्य नागरिक को किन किन बातों की सुरक्षा करना आवश्यक होता है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है द ऊपर के सभी में क्या है, ऐतिहासिक परंपरा की, बाह्य आध्यात्मिक शक्ति की और सह संस्कृति की सुरक्षा। 211 प्रचलित पाठ्यक्रम में किस प्रकार के शिक्षा हेतु व्यवस्था नहीं है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया स अ तथा वह दोनों, आ है तकनीकी और बा है व्यवसायिक। 212 प्राइमरी स्तर के बालकों का पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा बाल केंद्रित। 213 विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन 214 विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में किन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता, ऑप्शन संख्या है द रुचियों का, सॉरी ऑप्शन द है यहाँ पे ऊपर सभी का, और सभी में तो हमको पता है सभी पढ़ने पड़ते हैं, तो ऑप्शन आ है रुचियों का, ऑप्शन बा है आवश्यकता का और ऑप्शन स है योग्यताओं का। क्वेश्चन 215 पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए क्रियाओं को, वस्तुओं को और विषयों को, तो इन सभी को शामिल किया जाना चाहिए, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी को। क्वेश्चन 216 प्रभावी पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो ऑप्शन संख्या है द उपरोक्त सभी, सरल, कठोर और अत्यधिक सरल। 217 मौखिक गणित का लाभ है, ऑप्शन संख्या है द उपरोक्त सभी, सभी में क्या है, समय व श्रम की बचत, शुद्धता का विकास और मानसिक क्षमता का विकास। क्वेश्चन 218 लिखित कार्यों द्वारा विकास होता है, ऑप्शन है आ बुद्धिमत्ता। 219 लिखित कार्यों को किया जाना चाहिए, ऑप्शन है आ स्पष्ट व सुंदर लिखाई में। 220 सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत लागू होता है, तो ऑप्शन नंबर है आ आगमन विधि में। 221 किस विधि से अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर है बा आगमन विधि से। अगर आपको आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में पढ़ना है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पे मैंने एक टॉपिक बनाया हुआ जहाँ पे जीन प्याजे वाइगोस्की और वहीं पे आगमन विधि निगमन विधि के बारे में भी, सभी विधियाँ जो हैं उनके बारे में भी वहाँ पे बताया है, ठीक है। और जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग सीटेट की परीक्षा के लिए भी यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं जल्दी ही आपके जैसे ही वीडियोज़ कम्प्लीट हो जाएंगे, मैं आप लोगों के लिए सीटेट की प्रिपरेशन के लिए MCQs लेके आऊँगा, जो भी क्वेश्चंस आपके पेडागोजी हिंदी साइंस उन सभी के लिए, सबके लिए लेके आऊँगा। और आप लोग ज़रूर, जो आपके मित्र हैं सीटेट के फॉर्म भरा हुआ है 20 अगस्त को, जैसे कि आपको पता है परीक्षा है, जो लोग उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उन लोगों को भी इसको शेयर करें। मैं आप सभी लोगों से इतनी ही हेल्प के लिए कहूँगा कि आप लोग वीडियोस को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 222। जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो उसमें सबसे उपयुक्त विधि क्या है, तो ऑप्शन नंबर है आ आगमन विधि। 223 गणित शिक्षण द्वारा छात्रों को बनाया जाता है बुद्धिमान व चतुर, तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या है स आ तथा बा दोनों। 224 दूसरे के विचारों और तर्कों को समझाने का प्रयत्न करने संबंधी उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर है बा दृष्टिकोण संबंधी उद्देश्य। क्वेश्चन 225 ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य को बांटा जाता है, ऑप्शन नंबर है आ 6। ब्लूम की टैक्सोनॉमी को भी आपको पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने उसको भी आपको पढ़ाया है। 226 ज्ञान वर्ग के लिए आवश्यक है, ऑप्शन संख्या है आ बोध वर्ग। 227 मौखिक गणित में प्रश्नों का उत्तर निकाला जाता है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ मन में। 228 रेखा गणित की किसी साध्य थ्योरम का हल ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन संख्या है आ विश्लेषण विधि। 229 आगमन विधि का दोष है, ऑप्शन संख्या दिया गया है बा बालक अधिक समय में कम ज्ञान प्राप्त करता है। 230 सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत लागू होता है, ऑप्शन संख्या है द प्रयोगात्मक विधि में। 231 आगमन विधि उपयुक्त है, ऑप्शन संख्या है आ सूत्र स्थापन के लिए।
232 गणित का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, ऑप्शन संख्या है आ क्रिया केंद्रित। 233 मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, ऑप्शन संख्या है सा बाल केंद्रित और विषय केंद्रित। तो यहाँ पर दिए गए आ और वा दोनों, ऑप्शन नंबर सा। 234 बेकन के अनुसार गणित के विज्ञान के साथ क्या तुलना की गई है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया स आ और वा दोनों आ है। विज्ञान का सिंह द्वार कहा गया है, विज्ञान की कुंजी कहा गया है। 235 सामाजिक विज्ञान का विकास किसके बल पर है, तो ऑप्शन संख्या दिया है द उपरोक्त सभी, सभी में क्या है समाज, बाह्य जीवन स्तर और सा है पर्यावरण। 236 सामाजिक अध्ययन की पाठ्य सामग्री के पक्ष कौन कौन से होते हैं, तो ऑप्शन संख्या दिया गया द उपरोक्त सभी, सभी में क्या है आ है ज्ञान पक्ष, बाह्य क्रिया पक्ष और सा है भाव पक्ष। 237 पाठ्यक्रम विषयों में सबसे अधिक महत्व किस भाषा का होता है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ मातृभाषा का। 238 कला व संगीत का पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो ऑप्शन संख्या दिया गया द उपरोक्त सभी, सभी में क्या है आ है रुचिपूर्ण, बाह्य प्रगति करने वाला और सा है शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति करने वाला। 239 संगीत शिक्षा का उद्देश्य है, ऑप्शन संख्या दिया गया द उपरोक्त सभी, सभी में क्या है आ संवेगों का विकास, बाह्य आवाज का विकास और सा है आध्यात्मिक विकास। 240 प्रत्यक्ष रूप से संगीत शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करता है, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे दिया गया स आ और बा दोनों, आ है शिक्षा विभाग और बा है माध्यमिक शिक्षा परिषद। 241 भारत में कितनी प्रकार की भाषाओं को महत्व दिया गया है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया बा तीन प्रकार की। 242 विज्ञान विषय में विषय वस्तु के कितने रूप बताए गए हैं, तो ऑप्शन संख्या है द उपरोक्त सभी, सभी में क्या है संकेंद्रीय रूप, बाह्य कड़ी संपर्क रूप और सा है संयोजक रूप। 243 विज्ञान पाठ्यक्रम की शैली कौन सी होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है द उपरोक्त सभी, सभी में क्या है ऑप्शन आ है उपकरणीय पाठ्यक्रम शैली, बाह्य अंतः क्रियात्मक पाठ्यक्रम शैली और सा है व्यक्तिशः पाठ्यक्रम शैली। 244 बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का संबंध होता है, तो सभी से होता है, ऑप्शन आ है यहाँ पे छात्रों की आवश्यकताओं से संबंधित है, बाह्य रुचियों से संबंधित है और सा है स्तरों से संबंधित। 244 का ऑप्शन संख्या है द उपरोक्त सभी। 245 इतिहास का संबंध होता है, ऑप्शन नंबर है आ भूतकाल से। 246 सामाजिक अध्ययन की पाठ्य सामग्री का संगठन किस आधार पर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर है सा आ और बा दोनों पर, आ है वातावरण पर आधारित और बा है परिस्थितियों पर आधारित। 247 गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन किसका है, यह है ऑप्शन नंबर आ नेपोलियन का। 248 सामाजिक विज्ञान का संबंध है, ऑप्शन नंबर है द उपरोक्त सभी से, सभी में क्या है मनुष्य के जीवन से, बाह्य मनुष्य के संगठन से और सह मनुष्य के विकास से। क्वेश्चन 249 पाठ्यचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होना चाहिए, उक्त कथन है, ऑप्शन नंबर है आ शंकराचार्य का। 250 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, तो ऑप्शन संख्या है आ 1976 में। 251 परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर है आ 1952। 252 भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना की स्थापना कब की, तो ऑप्शन संख्या है आ 1980 में। 253 जनसंख्या शिक्षा गोष्ठी का आयोजन 1970 में कहाँ किया गया, ऑप्शन संख्या है आ यूनेस्को द्वारा बैंकॉक में। 254 जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो ऑप्शन संख्या है आ 1980 में। 255 दर्शन पर पाठ्यचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं है, तो यह किसका कथन है, यह है आ रस्क का। 256 भारत में अध्ययन विषयों के आधुनिक पक्ष हैं, तो ये सभी हैं, सभी में क्या है आ है सर्वांगीण विकास से संबंधित शिक्षा, बा है बालक बालिकों की समान शिक्षा और सा है शिक्षा की सार्वभौमिकता। 257 नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन का मुख्य कार्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन संख्या है बा अमेरिका में। 258 मातृभाषा तथा उद्योग को अनिवार्य विषय घोषित किया गया, तो ऑप्शन संख्या है आ कम्युनियस ने। 259 चयन के वर्ग के आधार पर पाठ्यक्रम में कितने विषय रखे जाते हैं, ऑप्शन संख्या है स
260 शारीरिक शिक्षा किस लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर है द उपर्युक्त तो सभी के लिए। सभी में ऑप्शन कौन कौन से आ है, शारीरिक चुस्ती के लिए, ब है मानसिक जागरूकता हेतु, और स है चरित्र निर्माण हेतु। 261 मेहता समिति ने लिंग के आधार पर पाठ्यक्रम प्रतिकर्ता को सही माना, ऑप्शन संख्या है ब नहीं। 262 शिक्षा की मूल समस्या पाठ्यक्रम भी है या कथन किसका है, ऑप्शन संख्या है ब ब्रिक्स का। 263 पाठ्यक्रम निर्माण में कैसे विषयों को शामिल किया जाए जो कि संस्कृति के संकलन हेतु आवश्यक हो, तो ऑप्शन संख्या दिया गया द उपर्युक्त सभी, सभी में क्या है आ भाषा, ब इतिहास, और स है साहित्य व विज्ञान। 264 वैज्ञानिक विषयों को अधिक महत्व देते हैं, ऑप्शन संख्या है आ हर्बर्ट स्पेंसर। 265 पाठ्यक्रम से किन लक्ष्यों की प्राप्ति होनी चाहिए, ऑप्शन संख्या है द उपर्युक्त सभी के सभी में क्या है आ प्रजातांत्रिक लक्ष्यों की, है सामाजिक न्याय की, और स है धर्म निरपेक्षता संबंधी लक्ष्यों की। 266 निम्न प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में होने चाहिए, ऑप्शन संख्या है स अ और ब दोनों, आ है एक क्षेत्रीय भाषा और ब है एक क्षेत्रीय भाषा और आ है एक मातृभाषा। 267 प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यों की शिक्षा दी जाए, तो ऑप्शन संख्या है स नैतिक व आध्यात्मिक, ऑप्शन सामने यहाँ पे दिया गया आ और बा दोनों, तो आ है नैतिक और बा है आध्यात्मिक। 268 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की है, ऑप्शन संख्या है आ 10+2+3। अच्छा, जो नई अभी शिक्षा नीति आई है वो किस बेसिस पर आधारित है, आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वह किसने दी है, ठीक है। ये आप हो सकता है यहाँ पे ये वाला ना पूछ के जो नई वाली आई उसके बारे में पूछें, तो नई वाली किस बेसिस पर है और किसने दी है। 269 शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की शुरुआत कब की गई, तो ऑप्शन संख्या है ब 1968 में। 270 विद्यालय शिक्षा के निर्माण तत्व कैसे होने चाहिए, ऑप्शन संख्या है द उपर्युक्त सभी, सभी में क्या है तत्व साहित्यिक वाले, ब है वैज्ञानिक कार्य वाले, और स है मानव शास्त्र वाले। 271 छात्रों के विकास हेतु प्राइमरी विद्यालयों में किस योजना का शुभारंभ किया गया, तो ऑप्शन संख्या है ब कल्प योजना। 272 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया, तो ऑप्शन संख्या है आ फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। 273 विषय वर्ग का सर्वप्रथम आधुनिक पक्ष किससे संबंधित है, ऑप्शन संख्या है आ सर्वांगीण विकास से। 274 विषय वस्तु में आधुनिक पक्ष की शिक्षण नीतियां किससे संबंधित है, ऑप्शन संख्या है द उपर्युक्त सभी से, सभी में क्या है आ सृजनात्मक चिंतन से, ब सर्वांगीण विकास से, और स है विचारों से। 275 भारत में विषय वर्ग के आधुनिक पक्ष के परिदृश्य किससे संबंधित है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है द उपर्युक्त सभी से, सभी में क्या है आ सर्वांगीण विकास से, ब है शिक्षा की सार्वभौमिकता से, और स है विश्व शांति की शिक्षा से। 276 विषय वर्ग संबंधित चुनौतियां किस विधि से संबंधित होती हैं, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है द उपर्युक्त सभी, और सभी में क्या है नवीन ज्ञान की खोज से, बाहर विविध संकायों के समन्वय से, सह विषय वर्ग की समस्याओं के उन्मूलन से। 277 भाषा विज्ञान क्या है, ऑप्शन संख्या है आ भाषा के उद्गम का। 278 कौन सा शिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है तथा बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है, ऑप्शन संख्या दिया गया था प्रयोजनवाद। 279 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा सेकेंड तथा गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई, कक्षा थर्ड के से प्रति सप्ताह कितने दिन के गृह कार्य की अनुशंसा की गई, तो ऑप्शन संख्या है ब 2। 280 प्राथमिक स्तर पर श्री अरविंद द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में निम्नांकित में से क्या नहीं था, तो ऑप्शन संख्या है ब शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा। 281 गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालय परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था, तो ऑप्शन संख्या है आ प्रकृतिवाद। 282 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है प अध्येता स्वायत्ता से अध्यापक अभिदशा की ओर। 283 पुस्तक दुया स्वप्न के लेखक थे, ऑप्शन संख्या है अ गिजू भाई बधेका। 284 विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों की श्रेष्ठतम स्थापना की जा सकती है, ऑप्शन संख्या है ब
पाठ्य सहगामी क्रियाओं से। 285 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास का योजना का निर्माण किसका दायित्व है? ऑप्शन संख्या है ब, विद्यालय प्रबंधन समिति का। 286 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यालय के लिए एक पूर्णकालिक मुख्य अध्यापक उपलब्ध कराया जाए जहां बच्चों की प्रवेश संख्या होगी ऑप्शन संख्या है अ 80 से अधिक। 287 विद्यालय में शारीरिक दंड पर रोक लगी है ऑप्शन था RTI अधिनियम 2009 के द्वारा। 288 न्यूनतम स्तर MLL 1991 स्थापित किए गए थे तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन संख्या है आ क्षमता और गुणवत्ता के संयोजन हेतु। 289 जहाँ तक मूल्यों का प्रश्न है क्या है मूल्यों का प्रश्न यहाँ पे ऑप्शन नंबर बा के साथ जाएंगे यथार्थवादी तथा आदर्शवादी दोनों के मूल्यों का आधार मानव अनुभव होता है। 290 किस शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षक की भूमिका मात्र पथ प्रदर्शक और प्रेषक की बताई गई है तो ऑप्शन संख्या है अ प्रकृतिवाद। 291 पाठ्यक्रम के विकास की संकल्पना में क्या शामिल नहीं है तो ऑप्शन संख्या है आ अंतर्राष्ट्रीय विचार। 292 पाठ्यक्रम बनाने में कक्षा स्तर के अनुसार विषय वस्तु को विभाजित करने का काम किसके अंतर्गत आता है तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा विषय वस्तु का श्रेणीकरण। 293 निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अधिगम को ज्ञान अर्जित करने और उपयोग करने की श्रेष्ठता मानसिक प्रक्रिया के रूप में देखता है तो यहाँ पे दिया गया है क्या ऑप्शन संख्या आ रचनावादी। 294 किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है ऑप्शन संख्या आ पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी। 295 पाठ्य पुस्तकों के पक्ष में मुख्य तर्क यह दिया जाता है कि ऑप्शन संख्या यहाँ पे दिया गया स पाठ्यपुस्तकें यह सुनिश्चित करती हैं कि शिक्षार्थियों द्वारा किसी न्यूनतम प्रामाणिक विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। 296 वर्धा शिक्षा प्रणाली का प्रस्तावक किसे माना जाता है ऑप्शन संख्या है द महात्मा गांधी। 297 शिक्षा की किंडरगार्टन प्रणाली का मुख्य प्रस्तावक किसे माना जाता है ऑप्शन संख्या है आ फ्रॉबल। 298 पुस्तकें संचार का सशक्त स्रोत हो सकती हैं बसरते कि विषय वस्तु निदर्शी हो। 299 बच्चे दो अंकों की संख्या को जोड़ना और घटाना स्कूल में सीख लेते हैं परंतु जब वे आइसक्रीम या चॉकलेट खरीदते हैं तो उन्हें यह गणना करने में कठिनाई होती है कि उन्हें कितने पैसे वापस लेने हैं या शायद इसलिए क्योंकि ऑप्शन संख्या यहाँ पे बाद दिया गया कार्यविधिक ज्ञान प्रायः काफ़ी अभ्यास के बाद सीखा जाता है। 300 ललित अपने कक्षा सहपाठी दिनेश की सहायता से अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान कर पाता है निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उसकी स्थिति को स्पष्ट करती है ऑप्शन संख्या यहाँ पे दिया गया है अ समीपस्थ विकास का क्षेत्र। 301 किसी भी प्रकार के ऐतिहासिक या समकालिक सामाजिक और आर्थिक अलाभ की बोधगम्य में मौजूदगी किसका आधार होती है ऑप्शन संख्या दिया गया आ शिक्षा में समावेशन का। 302 निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रयोजनवाद की घोतक होगी तो ऑप्शन संख्या है बा कोई संस्था इतनी पुनीत नहीं हो सकती जिसका विवेचित विश्लेषण अनिवार्य ना हो तो 302 का ऑप्शन संख्या है बा। 303 वे व्यक्ति जिनका शैक्षिक दर्शन प्रयोजनवाद है तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा दावा करते हैं कि ज्ञान अंतरिम या अस्थायी होगा तथा सत्य सापेक्ष होता है। 304 एक लोकतांत्रिक समाज का मूल आदर्श है ऑप्शन संख्या है आ जिस चीज को भी व्यक्ति अनुचित समझे तुरंत उसकी आलोचना करे। 305 विद्यालय पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है ऑप्शन संख्या है द बच्चे को एक प्रभावी और अर्थपूर्ण जीवन यापन के लिए अपेक्षित कौशल प्रदान करना। 306 प्रकृति अनुसार शिक्षित करने से अभिप्राय है ऑप्शन संख्या है स प्रकृति नियमों का अध्ययन करना और शैक्षिक प्रक्रिया में उनका उपयोग करना। 307 नूतन ज्ञान को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत करने और उसे संगठित करने में विद्यार्थियों की सहायता करने का सर्वाधिक व्यवहारिक तरीका है ऑप्शन संख्या है द समस्या आधारित अधिगम का उपयोग करना। 308
अध्यापन पद्धतियों के संबंध में दार्शनिक विचारधारा के किस संप्रदाय का मत है? क्या मत है कि अध्यापन पद्धति की पहली चीज़ें सिद्धांतों से हटकर अंतिम चीज़ों, फलों, परिणामों, तथ्यों पर विचार करना समाविष्ट करना चाहिए? धारणाओं को सत्यापन करने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें अनुभव के अधीन छोड़ देने में सत्य के उदाहरण मिलते हैं, तो यह किसका है? व्यवहारिकतावाद। इतना बड़ा प्रश्न भाई साहब। 309। निम्नलिखित में से कौन सा विचार रविंद्रनाथ टैगोर के दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन संख्या दिया गया है बा, उन्होंने हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा की वकालत की। 309 में ऑप्शन संख्या बा। 310। समकलित शिक्षा अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन संख्या है द, श्री अरविंदो। 311। शिक्षा की किंडरगार्टन प्रणाली किसके द्वारा संगठित की गई? तो ऑप्शन संख्या है ब, फ्रोबेल। 312। नैतिक विकास के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन संख्या है सा, लॉरेंस कोहलबर्ग। 313। किंडरगार्टन पद का अर्थ है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, बच्चों का खेल का मैदान। 314। अधिक लाड़ प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है या मान्यता अनुशासन के एक प्रकार से संबंधित है, इसका समर्थन ऑप्शन संख्या है स, व्यवहारिकतावादी दर्शन ने किया है। 315। यह कथन किसने कहा? साहित्य वही दर्शाता है जो इतिहास में चित्रित है। ऑप्शन संख्या है बा, रविंद्रनाथ टैगोर। 316। पाठ्यक्रम की भाषा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन संख्या है ब, मातृभाषा। 317। महात्मा गांधी ने शिक्षा में किन कार्यों पर बल दिया? तो ऑप्शन संख्या सा, उपरोक्त दोनों में क्या? ऑप्शन आ है कार्य अनुभव पर और ब है बुनियादी शिक्षा पर। 318। पाठ्यक्रम के माध्यम से समाज में किसकी पूर्ति होनी चाहिए? तो ऑप्शन संख्या सा, उपरोक्त दोनों में क्या है? ऑप्शन आ है आवश्यकताओं की, ऑप्शन ब है आकांक्षाओं की। 319। बालक बालिकाओं को पूर्ण रूप से शिक्षा देने पर किसने बल दिया? तो ऑप्शन संख्या है आ, श्रीमती हंसा समिति ने। 320। पाठ्यक्रम समाज की ऑप्शन संख्या है आ, प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करता है। 321। बालक मनुष्य का पिता होता है, किसका कथन है? ऑप्शन संख्या है ब, विलियम वर्ड्सवर्थ का। 322। पाठ्यक्रम के ऐतिहासिक पक्षों के कितने बिंदु हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ, तीन। 330। गणित का दैनिक जीवन में किन कार्यों में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है सा, उपरोक्त दोनों में क्या है? आय व्यय, ब है लेन देन। 324। गणित की भाषा होती है? ऑप्शन संख्या है आ, सार्वभौमिक। 325। गणित द्वारा कार्यों को किस प्रकार करना सीखा जाता है? ऑप्शन संख्या है द, उपरोक्त सभी प्रकार से। सभी में क्या है? ऑप्शन आ है क्रमबद्ध तरीकों से, ऑप्शन ब नियमित रूप से, ऑप्शन स शुद्धतापूर्ण तरीकों से। 326। आर्ट शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है? तो ऑप्शन नंबर है आ, लैटिन भाषा से हुआ है। 327। कला शब्द का अभिप्राय है? ऑप्शन संख्या है द, ऊपर के सभी। सभी में क्या है? आ सुंदर, ब कोमल और सा है मधुर। 328। कला की महत्वपूर्ण भावना क्या है? ऑप्शन संख्या दिया गया द, उपरोक्त सभी। सभी में क्या है? आ सत्यम, ब शिवम और सा सुंदरम। 329। कला अनुकरण है या परिभाषा किसकी? ऑप्शन संख्या है आ, अरस्तु की। 330। कला ही जीवन है या क्या है? ऑप्शन संख्या है ब, लोकोक्ति। 331। सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है? ऑप्शन संख्या दिया गया द, उपरोक्त सभी। सभी में क्या है? आ समाज, ब जीवन स्तर और स है पर्यावरण। 332। सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन संख्या दिया गया द, उपरोक्त सभी। सभी में क्या है? आ बाल केंद्रित, ब समाज केंद्रित और स है एकीकरण वाली। 333। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की मुख्य क्रियाओं को किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है द, उपरोक्त सभी के द्वारा। सभी में क्या है? आ चार्ट द्वारा, ब मॉडल द्वारा और स है मानचित्र द्वारा। 334। नागरिक शास्त्र के अध्ययन में कौन कौन से कर्तव्य आते हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है द, उपरोक्त सभी। सभी में क्या है? पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य, ब है देश के प्रति कर्तव्य और स है केंद्रीय सरकार के प्रति कर्तव्य। 335। सामान्य शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम में इतना महत्वपूर्ण विषय कोई नहीं है जितना कि सामाजिक अध्ययन है, यह किसने बोला है? प्रोफेसर एट वुड। 336। पाठ्य पुस्तकों के मुख्य लाभ क्या है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया था, उपरोक्त सभी। सभी में क्या है?
छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है व आधार प्रदान करती है, सहाय ज्ञान संगठित करती है। 337 भ्रमण विधि है, ऑप्शन संख्या दिया गया है द। उपरोक्त सभी, सभी में क्या है आ, बाल केंद्रित व प्रकृति के प्रति आकर्षित होने वाली और सहाय अर्जित ज्ञान वाली। 338 छात्रों में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के माध्यम से किन मूल्यों का विकास होता है, ऑप्शन संख्या दिया गया है आ प्रजातांत्रिक। 339 विद्यालय स्तर पर विज्ञान के कितने वर्गों को रखा गया है, ऑप्शन संख्या है द। उपरोक्त सभी, सभी में क्या है आ भौतिक विज्ञान व जीव विज्ञान, सा रसायन विज्ञान। 340 जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में किस प्रकार के उद्देश्यों को रखा जाता है, ऑप्शन संख्या है स, अ एवं बा दोनों, आ है सामाजिक विज्ञान और बा है प्राकृतिक विज्ञान। 341 किन भाषाओं में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन संख्या है अ हिंदी। 342 विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाने के अनेक विषय कौन से हैं, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे दिया गया था उपरोक्त सभी, सभी में कौन कौन से हैं, ऑप्शन अ गणित विज्ञान हिंदी व अंग्रेजी। 343 संस्कृत भाषा को किस कक्षा से पृथक विषय की मान्यता दी जाती है, ऑप्शन संख्या आ कक्षा 3 से। 344 विज्ञान की प्रयोगशाला कितने वर्गों में विभाजित की जाती है, ऑप्शन संख्या यहाँ पे दिया गया है आ 3 वर्गों में। 345 उद्देश्य एक पहले सोचा हुआ लक्ष्य है जो कुछ सरगर्मी या चालाक व्यवहार को एक दिशा प्रदान करता है, यह कथन किसका है, ऑप्शन संख्या है आ जॉन डीवी का। 340 वाणिज्य शिक्षा शिक्षण का वह रूप है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी को उसके कार्यों के लिए तैयार करे, यह कथन किसका है, ऑप्शन संख्या है स हेरिक का। 347 वाणिज्य शिक्षा मुख्य रूप से आर्थिक शिक्षा का कार्यक्रम है जो धन को उपलब्ध संचित और उसको व्यय करने से संबंधित है, यह कथन किसका है, ऑप्शन संख्या है अ पॉल एस लंकेस। तो भाई साहब यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो गई, अब आपकी आ जाती है यूनिट नंबर थर्ड, प्रश्न संख्या 348। अब तक हम लोगों ने 347 प्रश्न कर लिए हैं, ठीक है, अब हम लोग 348 प्रश्न करेंगे। एक बार फिर से थोड़ा सा पानी पी लिया जाए भाई, बहुत गर्मी है भाई हमारे यहाँ पे। तो और आपके यहाँ पे भी है ये तो पता है मुझे, गर्मी है, पानी पीते रहो और पिलाते रहो पानी। ओके नाउ कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 348। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया भाई इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए इन वीडियोस को। और मैं सीटेट की प्रिपरेशन जो होगी आपकी उसको भी कराऊँगा, सीटेट के मैक्सिमम क्वेश्चन 1000+ क्वेश्चन इन पेडागोजी, उसके बाद हिंदी मैथ्स सभी के क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा, ठीक है, जो कि आपका 20 अगस्त को एग्ज़ाम है। ये तो बात हो गई सीटेट की, अब बात कर रहे थे अपने यूनिट थर्ड की फ्रेमिंग ऑफ डिसिप्लिन की। तो क्वेश्चन नंबर 348 विषय वस्तु किस आधार पर व्यवस्थित की जाती है, ऑप्शन क्या है उपरोक्त सभी, सभी में क्या है प्राचीन काल बाह्य मध्यकाल सहाय आधुनिक काल। 349 विषय वस्तु गठन में किन किन सावधानियों को महत्व दिया जाता है, ऑप्शन क्या है उपरोक्त सभी, सभी में क्या है शुद्धता योग्यता व क्षमता उपयोगिता। अरे वाह 349 में ऑप्शन संख्या दिया गया था उपरोक्त सभी, सभी में अभी पहले ही आपको बता चुका हूँ। दोस्तों जो बैकग्राउंड साउंड है आप उसको बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, बच्चे खेल रहे हैं और मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, तो आप अपनी वीडियो पर ध्यान दीजिए भाई। आप सभी लोग टीचर हैं तो आप लोग थोड़ा सा सजग होकर आप अपने जो आपका कॉन्टेंट है उस पर ध्यान दीजिए, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है जो भी आ रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। अभी तक चाहे ध्यान ना आ रहा हो अब आप लोग ज़रूर ध्यान करके उसको ही सुन रहे हैं कि क्या ऐसा आ रहा है, ठीक है, कुछ लोग तो उसको वापस करके सुन रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा मत करिए और अपनी पढ़ाई को करिए। 350 विषय वस्तु छात्रों को किन आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए, ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी, सभी में क्या है कौशल बा रुचियाँ और सा मूल्य। 351 अधिगम अनुभव छात्रों को किन क्षेत्रों में पूर्ण विकास की शक्ति देने वाले होने चाहिए, ऑप्शन कहता उपरोक्त सभी, सभी में क्या है संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोक्रियात्मक। 352 पाठ्यक्रम की प्रवृत्ति क्या है, ऑप्शन संख्या स अ और बा दोनों, आ है परिवर्तित होना और बा है विकसित होना। 353 शिक्षण विधियों का चयन किस आधार पर करना चाहिए, ऑप्शन संख्या है द उपरोक्त सभी, सभी में क्या है विषय वस्तु बाह्य संरचना और सहाय विकास स्तर।
354 पाठ्यक्रम मूल्यांकन का अर्थ किससे है? ऑप्शन संख्या दिया गया था उपरोक्त सभी से। सभी में क्या है? आप विषय वस्तु से व पाठ्यक्रम के घटकों उद्देश्यों से और सह विभिन्न विधियों से। 355 पाठ्यक्रम नियोजन अवस्था में संलग्न रहने वाले व्यक्ति कौन कौन है? ऑप्शन संख्या था उपरोक्त सभी। सभी में क्या है? छात्र अभिभावक व विद्यालय अभिभावक और सह विषय और विशेषज्ञ। 356 रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग करता है? ऑप्शन संख्या स आ एवं ब दोनों की। आ है पुनर्निवेश की और ब है समायोजन के। 357 पाठ्यक्रम प्रतिमान कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन आ यहाँ पे दिया गया उद्देश्य या मूल्यांकन प्रतिमान होता है, ऑप्शन ब प्रक्रिया प्रतिमान भी होता है, ऑप्शन स परिस्थिति प्रतिमान भी होता है। तो इस तरह 357 का ऑप्शन संख्या हो जाएगा था उपर्युक्त सभी। 358 मानव व्यवहार के आधार पर प्रतिमानों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ 4 वर्गों में। 359 नैतिक प्रतिमानों के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? तो साहित्य भी आता है, इतिहास भी आता है और धार्मिक विषय भी आते हैं। 359 का ऑप्शन संख्या है था उपर्युक्त सभी। 360 सौंदर्य बोधात्मक वर्ग में कौन कौन से विषय आते हैं? तो साहित्य आता है, संगीत आता है और ललित कलाएं भी आती हैं। तो 360 का ऑप्शन संख्या है था उपर्युक्त सभी। 361 पैराडाइम किस प्रकार के रूपरेखा का समूह है? तो यहाँ पर दिया गया समस्या का है, उपकल्पनाओं का है और विधियों का है। 361 का ऑप्शन संख्या है था उपर्युक्त सभी का। 362 कर्लिंगर ने पैराडाइम का अंग किसे माना है? ऑप्शन संख्या दिया गया था उपर्युक्त सभी को। आ ग्राफ को, ब रेखा चित्र को और स है शाब्दिक कथन को। 363 पैराडाइम समस्या तक पहुंचने हेतु क्या है? ऑप्शन संख्या दिया गया था उपर्युक्त सभी। सभी में क्या है? आ मार्ग, ब ढांचा और स है रूपरेखा। 364 पैराडाइम शोध कार्य को किस रूप में प्रस्तुत करता है? ऑप्शन संख्या दिया गया स आ एवं बा दोनों। आ है व्यवस्थित और बा है क्रमबद्ध। 365 पाठ्य सामग्री को कहा जाता है? ऑप्शन संख्या दिया गया है बा अंतर वस्तु। 366 पाठ्य सामग्री को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन संख्या दिया गया है था अंतर वस्तु, विषय वस्तु और पाठ्य वस्तु। 366 का ऑप्शन संख्या है था 367 नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन कहाँ की शैक्षिक संस्था है? ऑप्शन संख्या दिया गया है था अमेरिका। 368 व्हीलर द्वारा प्रस्तावित पाठ्य सामग्री के चयन का मानदंड कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ 2। 369 बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? ऑप्शन संख्या दिया गया है स माता पिता। 370 एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता है, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। तो तब उसको क्या होना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन क्या है? द ऊपर के सभी, तो उसको क्या एक सम्मान मिलना चाहिए। 371 व्हीलर के गौड मानदंड में शामिल है? ऑप्शन संख्या दिया गया है द ऊपर के सभी। सभी में क्या आता है? आ छात्रों की आवश्यकताएं एवं अभिरुचियाँ, व अधिगम योग्यताएँ और उपयोगिता, सहाय सामाजिक तथ्यों के साथ संगति। 372 आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन संख्या सा अब्राहम मैस्लो ने। 373 अभिप्रेरक स्वच्छता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? ऑप्शन संख्या है आ फ्रेडरिक हर्जबर्ग द्वारा। 374 पाठ्यक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन संख्या है द पाठ्य विवरण। 375 वैल्योर शब्द किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन संख्या दिया गया है द लैटिन भाषा का है। 376 पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझना चाहिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन संख्या है बा फ्रोबेल का। 377 पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी सामग्री आती है? ऑप्शन संख्या दिया गया था उपर्युक्त सभी। सभी में क्या है? आ पाठ्य वस्तुएं, बा पाठ्यक्रियाएं और सा है समस्त अध्ययन सामग्री। 378 पैराडाइम को शोध कार्य का फ्रेमवर्क किसने कहा? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ कर्लिंगर ने। 379 पैराडाइम किस रूपरेखा का समूह है? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन संख्या था उपर्युक्त सभी का। सभी में क्या है? आ समस्या व उपकल्पनाओं का, बा है विधियों का और सा है पद्धतियों का। 380 पैराडाइम में शोधकर्ता कौन कौन से कार्य करता है? ऑप्शन संख्या दिया गया था उपर्युक्त सभी। सभी में क्या है? शोध का नियोजन,
बाह्य व्यवस्थापन और सहाय संगठन। 381 पैराडाइम शोध को किस प्रकार का रूप प्रदान करता है? ऑप्शन संख्या दिया गया स, अ और बा दोनों, आ है नवीन और बा है स्पष्ट। 382 पूर्व बाल्यावस्था में किस प्रकार के विकास होते हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया द, उपरोक्त सभी, सभी में क्या है, आ सामाजिक, बा स्वास्थ्य संबंधी और स है संवेगात्मक। 383 पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? ऑप्शन संख्या दिया गया द, उपरोक्त सभी, सभी में कौन कौन से, आ है समाजवादी, बा है धर्मनिरपेक्ष और स है प्रजातांत्रिक। 384 1986 में शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के विज्ञान विषयों को लिया जाता है? ऑप्शन संख्या दिया गया द, उपरोक्त सभी, सभी में क्या है, आ भौतिक विज्ञान, बा रसायन शास्त्र और स है जीव विज्ञान। 385 शिक्षा के मुख्य अंग हैं? ऑप्शन संख्या दिया है द, उपरोक्त सभी, सभी में है, आ अध्यापक, बा विद्यार्थी और स पाठ्यक्रम। 386 सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन संख्या दिया है बा अनुच्छेद 45B। 387 समाज के एक एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य है? ऑप्शन दा दिया गया है, बच्चों को अपने परिवेश को समझने में मदद लेना। 388 परिवार किसकी मुख्य एजेंसी? ऑप्शन संख्या दिया है द, अनौपचारिक शिक्षा के। 389 सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न में से क्या है? ऑप्शन संख्या है अ, जेंडर भूमिका। 390 छात्रों में पारस्परिक क्रिया को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन संख्या दिया गया है अ, भाषा संबंधी खेल का। 391 सर्वोत्तम विषय वस्तु किसे कहते हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया है द, उपरोक्त सभी को, सभी में क्या है, आ विश्वसनीयता को, बा वैधता को, सा आशावादिता को। 392 विषय वस्तु चयन में किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए? ऑप्शन संख्या दिया गया है द, उपरोक्त सभी का, सभी में क्या है, छात्र रुचि का, बा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का और स है उपलब्धियों का। 393 पाठ्यक्रम का मुख्य आधार क्या होता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है द, उपरोक्त सभी, सभी में क्या, शिक्षा किसको, बा शिक्षा कैसे और स है शिक्षा कब। 394 छात्रों को क्षेत्रीय ज्ञान होना जरूरी क्यों होता है? तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन द, उपरोक्त सभी, अब सभी में कौन कौन से, स्थानीय वातावरण ज्ञान हेतु, बा पर्यावरण समुदाय ज्ञान हेतु और स है व्यवहार हेतु, दैनिक आवश्यकता पूर्ति हेतु। 395 विद्यालय में पाठ्यक्रम आवश्यक है? ऑप्शन संख्या दिया गया था, उपरोक्त सभी हेतु, छात्र हेतु, अध्यापक, अभिभावक हेतु और अधिकारियों हेतु। 395 का ऑप्शन संख्या था। 396 प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ दो। 397 अभिप्रेरकों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन संख्या है बा दो। 398 प्रोत्साहन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन संख्या है बा दो। 399 मार्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन संख्या है आ मैस्लो ने। क्वेश्चन नंबर है 400 अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया है स, आ और बा दोनों को, आ है प्रक्रिया को और बा है परिणाम को। 401 अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है या कथन किसका है? ऑप्शन संख्या है आ स्किनर का। 402 शिशु केंद्रित पाठ्यक्रम में ध्यान रखा जाता है? ऑप्शन संख्या है द, उपरोक्त सभी का, सभी में क्या है, बच्चे के रुचि का, बा है बच्चों के रुझान व योग्यता का और स है बच्चों की आवश्यकता का। 403 बीज के अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन संख्या सा, छात्रों के द्वारा बीज लगाना और अंकुरण का निरीक्षण करना। ये पेडागोजी में आ जाता है आपके, ठीक है, ये आप लोग सीटेट में भी पढ़ते हैं, एनवायरमेंट में सारी चीज़ें ऐसे ही पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर है 404 1998 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, अच्छा इसको इंग्लिश में कमेंट करके बताइए भाई, हो सकता है ये इंग्लिश में आपसे पूछ लें, रिपोर्ट में पाया गया है कि शिक्षक परिवर्तन लाने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं, वे न केवल ज्ञान का प्रसार करते हैं बल्कि ऑप्शन संख्या है बा नया ज्ञान भी उत्पन्न करते हैं। तो 404 का ऑप्शन संख्या है बा। 405 शिक्षक के अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक परिणाम होता है? ऑप्शन संख्या है स, संकलनात्मक समझ। 406 निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य स्कूली शिक्षा में संख्यात्मकता से जुड़ा है? ऑप्शन संख्या है आ वयस्कों के रोजगार सक्षम बनाना, वयस्कों को रोजगार सक्षम बनाना। 407
एक सहभागी शैक्षिक वातावरण में ऑप्शन क्या था, पारस्परिक संचार के पर्याप्त अवसर होने पर प्रभावी भाषा अधिग्रहण संभव हो सकता है। 407 का ऑप्शन क्या था, 408 NCERT के दिशा निर्देश के अनुसार स्कूलों में कला शिक्षा के लिए कितना समय आवंटित किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे दिया गया है कुल समय का 1/4 भाग। अब यहाँ पे NCERT है, मैं आप लोगों से फिर से NCERT के फुल फॉर्म के लिए बोलूँगा कि आप लोग NCERT के फुल फॉर्म के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं, CBSE के फुल फॉर्म के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं और SCERT के फुल फॉर्म को कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसके साथ ही NCERT इस्टेब्लिश कब हुआ है इसको भी कमेंट करके बताएं। ये आपसे पूछी जा सकती है मित्रों कि हो सकता है आपने डायरेक्टली पूछ लिया कि NCERT फुल फॉर्म क्या है या NCERT कब इस्टेब्लिश हुआ था या SCERT फुल फॉर्म बताइए या CBSE के फुल फॉर्म बताइए, तो आपको ये पता होना चाहिए। आप इसको देखिए और कमेंट करिए जिससे कि अगर आपने यहाँ पे बताया तो जब एग्ज़ाम हॉल में आएगा तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 409, NCERT द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा समीक्षा पर विचार विमर्श के दौरान किसी किशोर लड़की द्वारा सुझाए गए क्या विशिष्ट उपाय थे, तो यहाँ पे दिया गया है उत्तर दा। अब इन सभी को पढ़ लेते हैं। लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालयों का निर्माण करना, माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की भागीदारी की कमी के कारणों को पहचान करना, अलग अलग अवधारणाओं को स्पष्टता के साथ समझाने के लिए बच्चों को रोजमर्रा की वास्तविकताओं को उदाहरण देना, था लड़कों में लड़कियों के प्रति उनके व्यवहार के बारे में अधिक आत्म जागरूकता पैदा करना, तो 409 का ऑप्शन संख्या यहाँ पे दिया गया है द। 410, निम्न में से क्या 1978 में शुरू किए गए राष्ट्रीय विषय शिक्षा कार्यक्रम नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम NAEP का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है रोजगार सृजन। 411, दूरस्थ शिक्षा का सबसे शुरुआती तरीका कौन सा था, पत्राचार के माध्यम से शिक्षा। 411 का ऑप्शन संख्या है 412, एक देसी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी नहीं होती है, ऑप्शन संख्या दिया गया है स्थानीय तौर पर विकसित। 413, अध्यापन विधि के रूप में टीवी अथवा वीडियो प्रस्तुतिकरण का फायदा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है या शिक्षार्थियों में एक प्रकार के देसीयतावाद को प्रोत्साहित करती है। 414, प्रक्षिप्ति विजुअल एड कौन सी नहीं है, ऑप्शन संख्या दिया गया है बार चार्ट। 415, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग सामग्री का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन संख्या दिया गया है वास्तविक अधिगम अनुभवों में सार्थक विद्यार्थी सहभागित्व का अवसर देना। 416, NCERT के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन संख्या है बा, यह एक संवैधानिक संस्था है इसकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की गई है। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ आपसे पूछ रहे हैं तो इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी पूछ ही सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। 416 हो गया ऑप्शन नंबर बी। 417, NCERT के अनुसार कि आयु तक बच्चे में समस्या निवारण कौशल विकसित हो जाता है, कितने प्लस 4 साल के बच्चे में। 418, कक्षा के माहौल के विशेष संदर्भ में सुनने का एक मुख्य अवयव है, ऑप्शन संख्या है था समझना और याद करना। सॉरी भाई साहब, माफ करिएगा। 419, शिक्षा पर कोठारी आयोग रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, ऑप्शन संख्या है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। 420, क्या 420, पाठ्यचर्या उपागम की मुख्य कोटियां कौन सी हैं, तो ऑप्शन संख्या दिया गया था उपरोक्त सभी में क्या है, फिर से देख लेते हैं, विषय केंद्रित उपागम, बाह्य सामाजिक समस्या केंद्रित उपागम और सहाय अध्ययता केंद्रित उपागम। 421, पैराडाइम शोध कार्य हेतु क्या प्रस्तुत करते हैं, ऑप्शन संख्या दिया गया एवं बा दोनों, आ है उपयुक्त डिजाइन और बाह्य उपयुक्त संहिता। 422, पाठ्यचर्या उपागम के मुख्य विषय हैं, तो ऑप्शन संख्या दिया गया है द उपरोक्त सभी में क्या है, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। 423, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा आती है, समस्या समाधान पद्धति आती है और आवश्यकता आधारित उपागम, तो 423 का ऑप्शन संख्या है द। 424,
पाठ्यक्रम संगठक के मुख्य उपागम कौन से हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है स, आ एवं ब दोनों। आ है बाल केंद्रित शिक्षा और ब है अनुशासन केंद्रित शिक्षा। 425 प्रारंभिक बाल्यावस्था के 2 से 3 वर्षों में किस बात का अभ्यास कराया जाता है? ऑप्शन संख्या स, आ और ब दोनों का। आ है बोध का और ब है आत्मविश्वास का। 426 ज्ञानात्मक कौशलों के विकास पर मुख्य कौन से विद्यालयी विचारों को रखा गया है? ऑप्शन संख्या द, उपरोक्त सभी। सभी में क्या है? विषय पठन, ब है पत्रकारिता और स है शारीरिक विज्ञान। 427 पैराडाइम से शोध कार्यों को किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन संख्या दिया गया है स, व्यवस्थित रूप से और क्रमबद्ध रूप से। तो सा में क्या है? आ एवं ब दोनों। 428 पैराडाइम में प्रस्तुतिकरण हेतु किन दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग होता है? तालिकाओं का होता है, ग्राफ का होता है, रेखा चित्रों का होता है। तो इस हिसाब से उपर्युक्त सभी। 428 का ऑप्शन संख्या द। 429 पैराडाइम समस्या के अध्ययन को क्या रूप प्रदान करता है? तो सरलता का और सुगमता का। तो इस हिसाब से 429 का ऑप्शन संख्या है स, अ एवं ब दोनों। 430 पाठ्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किसकी है? तो उपर्युक्त सभी। अब सभी में शैक्षिक उपकरणों की, ब है छात्रों की और स है अध्यापकों की। तो 430 का ऑप्शन संख्या है द। 431 क्रिया विश्लेषण में किन क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है? ऑप्शन संख्या है स, उपयुक्त दोनों। दोनों में क्या है? आ सामाजिक और ब है व्यवसायिक। 432 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया? ऑप्शन संख्या आ फ्रेडरिक हजबर्ग ने। 433 पाठ्यक्रम की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किसकी है? ऑप्शन संख्या आ कनिंघम की। 434 पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को अवसर प्राप्त होते हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया द, उपर्युक्त तो सभी। सभी में क्या है? आ जीवन की कला, ब लक्ष्य के लिए एकाग्रता और स है छात्रों को दिशा निर्देश देना। 435 पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है? ऑप्शन संख्या है द, उपर्युक्त तो सभी। सभी में क्या है? आ विभिन्न अनुभव, ब है कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय और स है विभिन्न अन्य क्रियाएं। 436 कार्य अनुभव का उद्देश्य है? ऑप्शन संख्या दिया गया है द, उपर्युक्त सभी। अब सभी में क्या है? रुचि, सामर्थ्य व योग्यता अनुसार शिक्षा देना, ब है आर्थिक बचत योजना चलाना, स है सहयोगी प्रकार से कार्य पूर्ण करना। 436 का उत्तर वो कहता। 437 प्रत्येक समुदाय को कुछ मान्यताएं, अवधारणाएं व विश्वास होते हैं जो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन संख्या है आ पैराडाइम। 438 मानव व्यवहार के आधार पर व्यवहार प्रतिमानों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन संख्या दिया गया है स, 4। 439 जो संस्थाएं मानव समूह द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य हेतु निश्चित की जाती हैं वे कहलाती हैं? ऑप्शन संख्या है आ मानवीय संस्थाएं। 440 व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार सामाजिक अध्ययन कक्ष के लिए 30 विद्यार्थियों हेतु स्थान की आवश्यकता होगी? ऑप्शन संख्या है आ 15x24 वर्ग फुट के। 441 पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए? ऑप्शन संख्या है आ शिक्षक केंद्रित। 442 पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में होनी चाहिए? ऑप्शन संख्या है आ प्रश्न बैंक। 443 किस सामग्री को देखकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? तो दृश्य सामग्री। क्वेश्चन नंबर 444 टेलीविजन क्या है? तो दृश्य श्रव्य दोनों है। ऑप्शन संख्या है स। 445 श्रव्य सामग्री के द्वारा विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर है आ सुनकर। 446 भौगोलिक यात्राएं हैं? ऑप्शन संख्या है बा क्रियात्मक सामग्री। 447 एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न की विशेषता है? ऑप्शन संख्या है स स्मृति की जांच। 448 जब छात्र अपूर्ण कथन को पूरा करता है तो परीक्षा के इस रूप को कहते हैं? ऑप्शन संख्या है स प्रत्यास्मरण रूप परीक्षा। 449 हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में किस भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है? ऑप्शन संख्या है ब मातृभाषा। 450 पाठ्यक्रम की मुख्य समस्या क्या है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ विषय वस्तु का चयन। 451 किसी भी स्तर पर कितनी भाषाओं को न पढ़ाना अनिवार्य होता है? ऑप्शन संख्या है आ 4। 452 कोठारी आयोग ने अखिल भारतीय संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम किस भाषा को माना? ऑप्शन संख्या दिया गया है बा अंग्रेजी। 453 कोठारी आयोग ने कक्षा 5 में
विज्ञान का कौन सा वर्ग पढ़ाने पर बल दिया, ऑप्शन संख्या दिया गया था उपरोक्त सभी, सभी में क्या है भौतिक शास्त्र, बाह्य भूगर्भ शास्त्र और सा है जीव विज्ञान। 454 मूल्यांकन द्वारा पता चलता है, ऑप्शन संख्या आ छात्र के व्यवहार परिवर्तन का। 455 श्रव्य सामग्री में आता है, ऑप्शन संख्या दिया गया है बा इनमें से कोई नहीं। 456 प्रक्षेपित सामग्री में आते हैं, ऑप्शन संख्या दिया गया सा फ्लोनेल बोर्ड। 457 चित्रों को एक क्रम में प्रदर्शित करने तथा अंकित व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण होता है, ऑप्शन संख्या दिया गया है सा फ्लोनेल बोर्ड। 458 मूल स्रोतों में आते हैं, ऑप्शन संख्या दिया गया था खंडहर व प्रतिमा, दंत कथा एवं परंपराएं सा हस्तलेख फरना और संधियां। 458 ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। 459 अभ्यासात्मक योजनाओं में निहित है, ऑप्शन संख्या स शब्दों के उच्चारण का अभ्यास करना। 460 सामाजिक अध्ययन शिक्षक का मुख्य कार्य है, ऑप्शन संख्या दिया गया था उपयुक्त सभी, अब सभी में ऑप्शन आ है समाज विज्ञान, तत्कालीन कार्यों में सहयोग, ऑप्शन बा पाठ्यक्रम निर्माण में सहयोग, ऑप्शन सा पाठ्य वस्तु स्टडी मटेरियल निर्माण में सहयोग। 460 समुदाय के साधनों को विभाजित किया जा सकता है, ऑप्शन संख्या है द उपरोक्त सभी, सभी में क्या है आ भौगोलिक स्थितियां, बा सामाजिक संस्थाएं, सा संस्कृति। 462 विद्यालय को समुदाय के निकट ले जाने के लिए किन उपायों को काम में लाया जाना चाहिए, तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन संख्या है द उपरोक्त सभी, अब सभी में क्या है आ सर्वेक्षण, बा क्षेत्र पर्यटन और सा है साज सेवा संघों द्वारा। तो 462 का हो गया ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी। इसके साथ हमारा इकाई नंबर 3 कंप्लीट है, अब हम लोग इकाई 4 यूनिट 4 पे आ गए हैं जिसमें की है रिकमेंडेशंस ऑफ डिसिप्लिन। ये हमारा 4th यूनिट है, आप सभी लोगों से फिर से मैं एक ही बात फिर से बोलूँगा क्या कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कंटिन्यू, तब से जब से स्टार्ट किया तब से मैं बोल ही रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसको भी समझिए, इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी इसको ज़रूर शेयर करिए, और फिर पानी पीते रहो भाई, प्यास बहुत लगती है इस समय, गर्मी है। क्वेश्चन नंबर 463 463 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग आ गए हैं। तो 463 क्वेश्चन क्या है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष का पूर्ण नाम था, ऑप्शन संख्या है आप दौलत सिंह कोठारी। क्वेश्चन नंबर 464 शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन संख्या है आप प्रोफेसर DS कोठारी, ये वही कोठारी साहब हैं जो दौलत सिंह कोठारी हैं, ठीक है। 465 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित है, ऑप्शन संख्या दिया गया है 12 भागों में। 466 कार्य योजना 1986 कितने भागों में विभाजित थी, ऑप्शन संख्या दिया गया है आ 24 कार्य। 467 10+2+3 शैक्षिक संरचना फार्मूले को व्यवहारिक रूप में किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया, ऑप्शन संख्या है बा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। मैंने आप लोगों से बोला था कि जो अभी की शिक्षा व्यवस्था है वो उसका संरचना कैसा है, वो किस फार्मूले पर बेसिस है, ठीक है। 10+2+3 है, 10+4+4 ऐसे करके कुछ है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वो किसने दिए इस बार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2022 पे इसकी बोली जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 468 मुदलियार कमीशन का गठन किया गया था, ऑप्शन संख्या है आ 23 सितंबर 1952 को। 469 कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है, ऑप्शन संख्या है सा शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। 470 त्रिभाषा फार्मूला किसने सुझाया, ऑप्शन संख्या था कोठारी आयोग। 471 बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले थे, ऑप्शन संख्या सा मुदलियार आयोग। 472 नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी, ऑप्शन संख्या सा 1986। 473 ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना की घोषणा का लक्ष्य था, ऑप्शन संख्या सा आ एवं बा दोनों आ है अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बाह्य प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। 474 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की थी, ऑप्शन संख्या सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। 475 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया, ऑप्शन संख्या सा सन 1992 में। 476 पेस पेंटिंग स्कूल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उद्धृत हैं बाद में हो गए थे, ऑप्शन संख्या है आ नवोदय स्कूल। 477 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचा को अपनाने का सुझाव दिया गया, ऑप्शन संख्या है आ
10+2+3 478। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई? संख्या सा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 479। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी, ऑप्शन क्या है? द 12 खंडों में। 480। मुदलियार आयोग के अध्यक्ष किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? ऑप्शन क्या है? सा मद्रास। 481। मुदलियार कमीशन का गठन हुआ था, ऑप्शन क्या है? आ 23 सितंबर 1952 को। 482। मुदलियार कमीशन संबंधित है, ऑप्शन क्या है? बा माध्यमिक शिक्षा से। 483। माध्यमिक शिक्षा आयोग को जाना जाता, ऑप्शन क्या है? आ मुदलियार आयोग। 484। माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिश है, ऑप्शन संख्या दिया गया है द उपयुक्त सभी। अब सभी में क्या है? सभी शिक्षकों को त्रिमुखी लाभ योजना प्रारंभ की जानी चाहिए, ब 10 वर्ष की शिक्षा में 30 वर्ष का डिग्री कोर्स चलाया जाना चाहिए, और शायद शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाए। 485। बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले थे? तो ऑप्शन संख्या सा कोठारी आयोग। 486। मुदलियार आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं, ऑप्शन संख्या सा 7 समूह। 487। कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी, ऑप्शन संख्या सा 1966 में। 488। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र था, ऑप्शन संख्या द संपूर्ण शिक्षा। 489। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? ऑप्शन संख्या सा शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। 490। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है ब 17। 491। शैक्षिक अवसरों में समानता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ नेबरहुड स्कूल। 492। कोठारी आयोग में कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ 17। 493। राष्ट्रीय चरित्र से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन संख्या दिया गया था ऊपर के सभी से। सभी में क्या है? सांस्कृतिक विशेषताओं से, वह है ऐतिहासिक विशेषताओं से, और स है धार्मिक विशेषताओं से। 494। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन कर उसका परिमार्जन कब किया गया? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ 1919 में। 495। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार किस भाषा को माना गया है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है स हिंदी। 496। बहुउद्देशीय विद्यालय किस प्रकार के पाठ्यक्रम का आयोजन करते हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया है द उपयुक्त सभी। अब सभी में क्या है? विभिन्न उद्देश्य वाले, बाह विभिन्न रुचियों वाले, और स है विभिन्न योग्यताओं वाले। 497। माध्यमिक शिक्षा आयोग के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ऑप्शन संख्या दिया गया द उपयुक्त सभी। सभी में क्या है? आ सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, बाह जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, और स है व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि। 497 को ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। 498। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में किन क्रियाओं को प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन संख्या दिया गया द उपयुक्त सभी। अब सभी में क्या है? आ कृषि, ब बागवानी, और स है पशुपालन। 499। शिक्षा आयोग के दोष कौन से हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया द उपयुक्त सभी। सभी में क्या है? अंग्रेजी पर ज़्यादा बल, संस्कृति अध्ययन की उपेक्षा, और बेसिक शिक्षा की समाप्ति। क्वेश्चन संख्या है 500। विद्यालय में निरीक्षण कौन करता है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है स आ एवं बा दोनों। आ है प्राथमिक विद्यालयों में जिला परिषद, और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा विभाग। क्वेश्चन नंबर है 501। हम लोगों ने 500 प्रश्न कर लिए भाई, ठीक है? तो 500 प्रश्न हो गए, वेरी गुड। अभी तक आप जुड़े हुए हैं जितने लोग भी हैं, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से ही अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? मेहनत करने का टाइम है, अभी आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। इसको 2 से 3 बार देखिए, सारे प्रश्न आपको रट जाएंगे, वहाँ पे आराम से अच्छे से मार्क्स लेके आप आएंगे। 501। नवीन शिक्षण विधियों हेतु किन किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है? पाठ्यक्रम का किया जाता है, वर्कशॉप का किया जाता है, प्रदर्शनी का किया जाता है, उपयुक्त सभी का किया जाता है। 501 का ऑप्शन संख्या है द। 502। निम्न प्राथमिक शिक्षा स्तर पर कौन कौन सी भाषाएं होती हैं? तो मातृभाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है, और प्रादेशिक भाषा भी होती है। 502 का उत्तर संख्या द। 503। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑप्शन खाली है, शिक्षा के विस्तार पर भी बल दिया जाता है, ऑप्शन संख्या है आ उच्च शिक्षा के स्तर पर। 504। सामाजिक अध्ययन की विषय सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है स
अ एवं बा दोनों आहे राष्ट्रीय एकता पर बल देने वाली और बाह मानव एकता पर बल देने वाली। 505 भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन क्या दिया गया? बा डी डॉक्टर डी एस कोठारी। 506 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य प्रावधान क्या है? ऑप्शन क्या दिया गया? उपर्युक्त सभी में क्या है? शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, बाह्य समानता के लिए शिक्षा और सहाय विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन। 507 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपने व्यापक कार्यक्षेत्र को कितने कार्य दलों में विभाजित किया था? ऑप्शन संख्या है 13। 508 प्रारंभिक शिक्षा की मुख्य बातें क्या हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया है अ एवं बा दोनों। आ है 14 वर्ष की शिक्षा और बा है शिक्षा की गुणवत्ता पर बल। 509 सन 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते होते कितने विद्यालय स्थापित हुए? तो ऑप्शन संख्या है 334। 510 माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन संख्या है 29 अगस्त 1953 को। 511 माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष की है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है 7 वर्ष की। 512 शिक्षा आयोग के मूल्यांकन की कसौटियाँ क्या हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है अ एवं बा दोनों। आ है आयोग के गुणों को परखना और बा है आयोग के दोषों का विश्लेषण। 513 भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा में व्याप्त असमानताओं के कितने संकेत दिए? तो ऑप्शन संख्या है 2। 514 राष्ट्र की शिक्षा किस बात पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है अ एवं बा दोनों। आ है राष्ट्रीय एकता और बा है राष्ट्रीय चरित्र। 515 स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है 1968 में। 516 मुदलियार आयोग के मुख्य सुझाव क्या हैं? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है उपर्युक्त सभी समय में क्या है? लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, बा है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा और सा है पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा। 517 मुदलियार कमीशन ने छात्रों के मूल्यांकन का क्या आधार रखा था? ऑप्शन संख्या दिया गया उपर्युक्त सभी में है आंतरिक परीक्षाएं, बा है विद्यालय अभिलेख और सा है नियतकालिक परीक्षाएं। 518 मुदलियार आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं? ऑप्शन संख्या है 7। 519 सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन संख्या दिया गया है बा अनुच्छेद 45B। 520 गणित को किस प्रकार के प्रशिक्षण का साधन समझा गया? ऑप्शन संख्या दिया गया था उपर्युक्त सभी में क्या है? सोचने, बा विचारने और सहाय विश्लेषण करने। 521 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापकों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया? ऑप्शन संख्या दिया गया है रचनात्मकता की और सृजनात्मकता की। ऑप्शन संख्या है 522 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के प्रक्रिया के समय भारत सरकार ने किस सन में एक दस्तावेज शिक्षा की उन्नति के परिप्रेक्ष्य में जारी किया? ऑप्शन संख्या है 1985 में। 523 राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति में परिवर्तन किस सन में किया? तो ऑप्शन संख्या है 1984 में। 524 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा प्रबंध से संबंधित किस भावना का सृजन किया गया? तो ऑप्शन संख्या है अ एवं बा दोनों का। आ है विकेंद्रीकरण और बा है स्वायत्तता का। 525 कोठारी आयोग ने शिक्षा को लोगों को किन बातों से जोड़ा? ऑप्शन संख्या दिया गया था उपर्युक्त सभी में क्या है? अ जीवन से, बा आवश्यकताओं से और सा है आकांक्षाओं से। 526 कोठारी आयोग के अनुसार माध्यमिक स्तर पर कितने प्रतिशत छात्रों को व्यवसायों की ओर प्रेरित किया जाता है? ऑप्शन संख्या है 50%। 527 कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? ऑप्शन संख्या दिया गया है शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। 528 कोठारी शिक्षा आयोग के मुख्य गुण क्या हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया है क्या? दा उपर्युक्त सभी में क्या है? जन शिक्षा, प्रचार प्रसार, बाह्य शिक्षा पर अधिक धन व्यय करना और सा है संवैधानिक शिक्षा लक्ष्यों की पूर्ति। 528 का ऑप्शन संख्या है दा उपर्युक्त सभी। 529 माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो व्यवहारिक जीवन से संबंधित होना चाहिए, सहसंबंध वाला होना चाहिए, उचित मनोरंजनात्मक क्रिया वाला होना चाहिए। तो 529 का ऑप्शन संख्या है दा उपर्युक्त सभी। 530 मुदलियार कमीशन का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन संख्या है 23 सितंबर 1952 को। 531 राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी? तो ऑप्शन संख्या दिया गया था 12 खंडों में।
532 भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन संख्या है बा 14 जुलाई 1964 को। 533 भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन संख्या है स डॉक्टर DS कोठारी। 534 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष तक के लिए अनिवार्य थी? तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे क्या दिया गया ऑप्शन संख्या है बा 7 वर्ष। 535 डॉक्टर LS मुदलियार कौन थे? ऑप्शन संख्या है आ मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति। 536 कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? और ऑप्शन संख्या है आ 29 जून 1966 को। 537 आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रायः सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है द उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त गृह कार्य देंगे। 538 राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण क्या है? ऑप्शन संख्या दिया गया आ घृणा और भय का विकास। 539 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21A में रखा गया, अब अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? ऑप्शन संख्या दिया गया आ 6 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। 540 पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत की थी? ऑप्शन संख्या दिया गया सा भारतीय शिक्षा आयोग 1964 और 66 में। 541 एक कक्षा कक्ष में विद्यालयों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्हें सावधानीपूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है, वे पास में उपलब्ध पुस्तकें और अन्य सामग्री उपयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि क्या है? ऑप्शन संख्या है बा ह्यूरिस्टिक विधि। 542 वयस्क शिक्षा के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए? ऑप्शन संख्या दिया गया था उपर्युक्त सभी में क्या है आ सरकार व शिक्षित व्यक्तियों और सहायक गैर सरकारी संगठनों। 543 निम्नलिखित में से किसे आप स्कूलों में बढ़ती अनुशासनहीनता का एक प्रमुख कारण मानते हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया है बा असरदार मार्गदर्शन की कमी। 544 लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक थे? ऑप्शन संख्या आ यशपाल। 545 क्रियाकलाप तकनीकी होती है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ छात्र केंद्रित। 546 कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थी हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वहां कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है स 3। 547 एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निहित किए गए? ऑप्शन संख्या है बा 45। 548 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को निम्नांकित में से किसकी अनुशंसाओं की अनुवृत्ति कार्यवाही के रूप में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 549 वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष क्या होता है? ऑप्शन संख्या दिया गया है बा परिणाम। 550 उद्देश्यों का किस रूप में सार्थक होना आवश्यक है ताकि अधिगम प्रभावी हो सके? ऑप्शन संख्या दिया गया है बा पाठ्यचर्यात्मक उद्देश्य। 551 किलपैट्रिक की प्रोजेक्ट विधि प्रतिफल है? ऑप्शन संख्या दिया गया है आ केवल प्रयोजनवाद। 552 संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार क्या है? ऑप्शन दा दिया गया बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। 553 अध्यापक द्वारा श्रव्य दृश्य साधनों को किस रूप में समझना चाहिए? ऑप्शन संख्या दिया गया बा अध्यापन के लिए प्रयुक्त अन्य युक्तियों का संपूरक। 554 एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर नामक प्रतिवेदन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन संख्या दिया गया है बा आचार्य राममूर्ति प्रतिवेदन। 555 यदि विद्यार्थियों का समूह आपकी कक्षा से प्रायः अनुपस्थित रहता है तो आप इस स्थिति में कैसे निपटेंगे? ऑप्शन सात दिया गया क्रियात्मक शोध करेंगे। 556 विद्यार्थियों के सेक्शन A, B and C मतलब तथा सी विद्यार्थियों की घटती हुई योग्यता के आधार पर बनाए गए तीव्र सामान्य तथा कमजोर, इसमें आप किस सेक्शन को पढ़ाना चाहेंगे? ऑप्शन संख्या सा सी। 557 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NCERT का नहीं है? ऑप्शन संख्या है बा विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षाओं का संचालन करना। प्लीज़ कमेंट फुल फॉर्म ऑफ NCERT मैंने पहले भी बोला है। 558
प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन संख्या दिया गया है ग्यारह नवंबर। 559 विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय अध्यापक को ऑप्शन संख्या दिया गया था बीच का ना अधिक कठोर ना अधिक नरम होना चाहिए। 560 एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह ऑप्शन संख्या दिया गया बा विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता या करती हो। 561 शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये नजरिए का अर्थ है ऑप्शन संख्या दिया गया बा सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण। 562 निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? ऑप्शन संख्या दिया गया बा शिक्षक को विषय की समझ। 562 हो गया। 563 शिक्षक के मुख्य उद्देश्य क्या होने चाहिए? ऑप्शन संख्या दिया गया था छात्रों में सोचने की शक्ति विकसित करना। 564 शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं? ऑप्शन संख्या दिया गया बा शिक्षण को रोचक बनाने। 565 किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपका एक छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता तो आप क्या करेंगे? अपने छात्र को उस महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। ऑप्शन संख्या स। 566 समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को ऑप्शन संख्या स प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 567 विद्यार्थियों की समूह सक्रियता से निपटने के क्रम में उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया द ऊपर के सभी। अब सभी में क्या है? विद्यार्थी अपरिपक्व होते हैं। ऑप्शन बा विद्यार्थी अच्छे या बुरे में अंतर कर पाने में अक्षम होते हैं। विद्यार्थी अधीर और संवेदनशील होते हैं। तो 567 का ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। 568 समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता? ऑप्शन संख्या दिया गया द कक्षा में भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना। 569 एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में प्रयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है वह किस प्रक्रिया चरण अवयव को दर्शाती है? ऑप्शन संख्या दिया गया था स्वानिकी बोध। 570 पाठ्यचर्या उपागमों में से किस उपागम में विद्यार्थी को अधिकतम स्वतंत्रता मिलती है? ऑप्शन संख्या स क्रिया केंद्रित उपागम। 571 लेक्चर विधि का फायदा कौन सा नहीं है? ऑप्शन संख्या दिया गया बा या विद्यार्थियों में सामाजिक संशक्ति को प्रोत्साहित करती है। 572 समूह अध्यापन विधि का फायदा कौन सा नहीं है? ऑप्शन संख्या दिया गया स या विद्यार्थी को सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित करती है। 573 समूह परिचर्चा विधि का लाभ कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है आ या विद्यार्थियों की वैचारिक भिन्नताओं को बराबर करती है। 574 वृत्त अध्ययन विधि का लाभ कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन संख्या दिया गया है बा या विद्यार्थियों में लिंग संवेदिता को प्रोत्साहित करती है। 575 सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय है? ऑप्शन संख्या दिया गया है बा सूक्ष्म स्तर पर अध्यापन करना। 576 व्याख्यान विधि किस स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी? ऑप्शन संख्या दिया गया था जब पाठ्य सामग्री का पूर्ण रूप में प्रतिपादन करना हो। 577 इस समय हमें व्यक्तियों का वर्ग बनाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए जो रक्त और रंग में भारतीय हों परंतु रुचि मत सदाचार और बुद्धि में अंग्रेज हो। या निम्नलिखित में से किसका कथन है? ऑप्शन संख्या दिया गया अ लॉर्ड मैकाले। 578 यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम क्या है? ऑप्शन संख्या दिया गया था भार मुक्त शिक्षा प्राप्ति। 579 जब अध्यापक दो विद्यार्थियों की नोटबुक में आकर्षक उदाहरणों को देखकर उनकी प्रशंसा करता है तो अन्य विद्यार्थी भी सोदाहरण गणित नोटबुक बनाने पर ध्यान देने लगते हैं। यह उदाहरण है ऑप्शन संख्या हिसाब किसी की उपलब्धि से प्रभावित होने पर पुनर्बलन का। 580 विद्यार्थी के आपत्तिजनक व्यवहार को रूपांतरित करने के लिए अत्यधिक प्रभावकारी विधि है ऑप्शन संख्या हिस्सा उसके आपत्तिजनक व्यवहार के कारणों को मालूम करना और इलाज करना। 581 नई शिक्षा का नीति का मुख्य प्रयोजन है ऑप्शन संख्या स संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना। 582 अन्वेषण उपागम किसी पर आधारित है ऑप्शन संख्या दिया गया स पूछताछ करना। 583 परिचर्चा किसका प्रकार है ऑप्शन संख्या दिया गया द विचार विमर्श विधि का। 584 भारत में वर्तमान शैक्षिक प्रणाली के सबसे
बड़ी चुनौती है अल्पसंख्या दिया गया सा शिक्षा में समानता। 585 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के मसौदे के अनुसार ऑप्शन के यहाँ पे दिया गया सा इन पाठ्यक्रमों की सामाजिक स्वीकार्यता की चिंता को दूर करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देने की आवश्यकता है। 586 किसी भी समय किसी भी स्थान पर किसी भी विषय पर एक विषय उभरता विषय क्या है दूरस्थ शिक्षण ऑप्शन नंबर सा। 587 छात्रों को ऑप्शन दिया गया कक्षा के बाहर पढ़ाने पर वे अपने आसपास के पर्यावरण को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। 588 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के आयु के बीच बच्चों पर लागू होता है संख्या दिया गया आ 6 से 14 साल। 589 नई शिक्षा नीति 2016 के मसौदे में शिक्षकों के लिए स्वशिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है ऑप्शन संख्या दिया गया है आ बाल अधिकार। 590 1986-87 में किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार डैश कभी भी छात्र के रूप में स्कूल में दाखिला नहीं ले सकते क्योंकि उनकी मूल प्राथमिकता घर के कामकाज करना होती है ऑप्शन संख्या दिया गया आ शहर और ग्रामीण पुरुष और महिलाएं। 591 में खाली जगह अनुशंसा करता है राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों जैसे UGC NCERT NIEPA AICTE आदि को मजबूत किया जाए ताकि वे शिक्षा को राष्ट्रीय प्रणाली को आकार दे सकें। आपसे मैंने पूछा हुआ ही है NCERT का फुल फॉर्म, अभी आप UGC की भी बता दें भाई। 591 में ऑप्शन संख्या दिया गया था शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1960। 592 डाइट की स्थापना किसकी सिफारिश का परिणाम थे ऑप्शन संख्या दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 593 राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसमें उसको प्रस्तावित करने की योजना भी बनाई गई को कब प्रकाशित किया गया ऑप्शन संख्या दिया गया बा सन 1986। 594 दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे ऑप्शन संख्या दिया गया है आ राजीव गांधी। 595 किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की शुरुआत हुई है ऑप्शन संख्या है आ 1987। 596 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात की गई तो ऑप्शन नंबर है बा कंप्यूटर शिक्षा। 597 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य योगदान है ऑप्शन संख्या दिया गया था उपयुक्त सभी, सभी में क्या है मुक्त विश्वविद्यालय बाह्य नवोदय विद्यालय और सहाय ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आप लोगों से एक बात खत्म होने से पहले ही बोल दूँ भाई, सभी लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें और अपने सुझाव भी बताएं मुझे कमेंट के माध्यम से कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या अभी इसमें और सुधार की ज़रूरत है। ठीक है मेरे दोस्तों भाइयों, ठीक है। 598 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी ऑप्शन संख्या ऐसा राम मूर्ति समिति 1990। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई, मैंने जब से स्टार्ट किया तब से मैं कंटिन्यू आपको पढ़ा ही रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं। आप एक मेहनत को देखिए और इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों से जरूर इसको शेयर करिए, ठीक है। 599 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई वर्ष 2000 तक ऑप्शन नंबर द 600 त्रिभाषा सूत्र दिया गया था ऑप्शन संख्या है बा NEP 1986 में। NEP क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 601 पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस शिक्षा नीति का महान लक्ष्य था ऑप्शन संख्या है आ 1986 का। 602 माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया ऑप्शन संख्या है बा दो भागों में। अब यहाँ पे दिया गया क्या 603 माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब प्रेषित की तो ऑप्शन संख्या है था 29 अगस्त 1953 को। 604 माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कितने कार्य दिवस निर्धारित किए ऑप्शन संख्या है था 200 कार्य दिवस। 605 मुदलियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया था ऑप्शन संख्या है आ 7 वर्गों में। 606 प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया ऑप्शन संख्या है सा मुदलियार आयोग ने। 607 योग्य अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए किस पाठ्यक्रम को जोड़ने का सुझाव मुदलियार कमीशन ने दिया ऑप्शन संख्या है बा MED, ठीक है। BEd DLED NIOS इन सभी को फुल फॉर्म आप बताइए या आपसे पूछ जा सकती हैं दोस्तों, कमेंट करिए इसको, ठीक है। 608 राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान RMSA किस वर्ष शुरू किया गया था ऑप्शन संख्या है सा 2009 में।
अब यहाँ पे 609 निम्नलिखित में से ताराचंद समिति ने सिफारिशें प्रदान की थी, ऑप्शन क्या था, माध्यमिक शिक्षा के। इस तरह हम लोगों ने 609 क्वेश्चन कर लिए हैं आपके पेपर नंबर सेकंड के। फिर से आप लोगों से यही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको ज़रूर एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाइयों, और इसको शेयर ज़रूर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। सेहत का ध्यान रखिए, पेड़ पौधों को पानी दीजिए क्योंकि गर्मी बहुत है, और जो भी प्यासा है उसे पानी ज़रूर पिलाएं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।